from Istanbul. Assalamu alaikum, welcome, khush aamdeed, marhaba, good night. तो बहुत सारी ज़बानें हो गई और इसमें हम ऐड भी करते चले जाएंगे. एक खूबसूरत सुबह के साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल में. आज भी हमें सूरज कहीं नज़र नहीं आ रहा, सनराइज हो चुका है लेकिन सूरज कहीं गायब है. वही तो मैं आपसे कई बार आपसे ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं, बिल्कुल एतबार नहीं किया जा सकता. ये बात तय है, कभी सर्दी हो जाती है तो कभी गर्मी हो जाती है. वी डोंट नो कि हो सकता है प्रोग्राम के दरमियान में सूरज निकल आए और ये जो हम इस वक्त आपको थोड़े से ज़रा प्रॉपरली कवर्ड और शॉल्स वॉल्स में नज़र आ रहे हैं, हमें गर्मी लगने लगे. एनीवे, और हमारे मुल्क में देखें, वी हैव ऑल द सीज़न, चारों मौसम हैं भरपूर तरीके से हैं. क्या नहीं है, जब हम मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं ये ज़रूर देखती हूँ कि मुझे, मैं लाहौर से हूँ, पंजाब से हूँ, लेकिन मुझे सर्दी बहुत लगती है. और मैं कराची जब शिफ्ट हुई तो मैं बड़ी खुश थी कि भाई यहाँ पे मौसम एक जैसा रहता है. वेर एवर यू, एक घंटे दो घंटे की आप अगर फ्लाइट पे कहीं चले जाएँ तो मौसम बिल्कुल चेंज है. क्वेटा में बिल्कुल डिफरेंट है, पेशावर इज़ डिफरेंट, इस्लामाबाद डिफरेंट है. तो हमारे पास चारों मौसम हैं. क्या नहीं है हमारे पास, हमारे पास सहरा हैं, हमारे पास रिवर्स हैं, समंदर है, प्लेन्स हैं, क्या माउंटेन रेंजेस हैं हमारे पास, और फ्रूट, वेजिटेबल्स, हर चीज़. वो टेस्ट जो आपको यूरोप या बाकी मुल्कों में आप जाते हैं तो आपको कॉस्मेटिक टाइप के लगते हैं सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, लेकिन हमारे मुल्क में अमेजिंग फ्रूट और वेजिटेबल्स आपको मिलते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हैं. इसके अलावा मिनरल्स, जो मिनरल्स हैं समंदर और माउंटेंस और ज़मीन की वजह से, इतना कुछ है, इतने मादनियात हैं हमारे मुल्क में, कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है लेकिन हम उन रिसोर्सेज को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं. पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं. बाकी दुनिया में जिस जिस चीज़ की कमी है वो उस प्रॉब्लम को फाइट करते हुए तरक्की कर रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है. तो हमें ज़रा फोकस करने की ज़रूरत है, कलेक्टिव एफर्ट की थोड़ी सी ज़रूरत है. अब ये भी फोकस करना है कि हमारे मुल्क की तरक्की के लिए क्या सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें, मुझे लगता है कि पहले तालीम है. सवाल करने का जो एक प्रोसेस है कि हमें एजुकेशन आपको क्या सिखाती है, ये सिखाती है कि आप क्यूरियस हों, आप में तजस्सुस हो, आप सवाल कर सकें. और ये जो जैसे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता है, वो सवाल करते हैं, जितना सवाल करते हैं उतना लर्न करते हैं. मुझे लगता है जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमसे ये प्रोसेस या ये चीज़ छीन ली जाती है और हमें सब कहा जाता है कि बस ये सिस्टम्स हैं, इन्हीं को फॉलो करना है. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आई थिंक सवाल करना है, और वो वाला सवाल नहीं है कशकोल पकड़ के हम गलत सवाल की तरफ चले गए हैं. सवाल मीन्स क्वेश्चन, बीइंग क्यूरियस कि ऐसा क्यों है, दुनिया तरक्की क्यों कर रही है और हम क्यों नहीं कर रहे हैं. सारे वो सवाल जो पर्टिनेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आप वो सोचें और वो करें. और हमारा ये राइट है कि हम अपनी लीडरशिप से, अपने इर्द गिर्द लोगों से ये सवाल करें, क्योंकि वो हमें जवाब देना उनका फ़र्ज़ है. बिकॉज वो उन पोजिशंस पे बैठे हैं, उन कुर्सियों पे बैठे हैं और वो कुर्सियाँ छोड़ भी नहीं रहे हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी है. और हम एक जागती जीती जागती आवाम जो है उसका सबूत ही ये होता है कि आप सवाल करते रहें और आप जानने की कोशिश करें कि अच्छा इन्होंने इस दफ़ा हमारा वोट का इस्तेमाल करें अपना और कहें कि हाँ जी इस दफ़ा नहीं हुआ तो हम आपको दोबारा चांस नहीं देंगे. सो दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. एजुकेशन सिर्फ दस्तखत कर देने का नाम नहीं है, या अपना नाम लिखने का, या आईडी कार्ड बनवा लेने का नाम नहीं है. एजुकेशन आप डिग्रियों के बग़ैर भी हासिल कर सकते हैं, पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है. तो ये प्रोसेस जो है ये चलता रहना चाहिए, इसको बंद नहीं होना चाहिए किसी भी तरह. आप तो इतनी फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल है, हमारे पास नेट अवेलेबल है, पूरी दुनिया की नॉलेज आपके पास है. तो ये प्रोसेस जारी रखें, अपने बच्चों को इनक्रेज करें कि वो सवाल करें और क्वेश्चंस पूछें और उनके जवाब ढूंढें, क्योंकि आप सवाल करेंगे तो फिर उसका जवाब भी ढूंढेंगे और हमें जवाब मिल जाएंगे. और बहुत सारी चीज़ों के मिल भी रहे हैं, हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द. सो आई थिंक दिस प्रोसेस शुड नॉट स्टॉप. तो अब मैं ज़रा एक सवाल मरियम से करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी अब यू नो सवाल करने की आदत हो गई है. यहाँ पे मुझे सेलिब्रिटीज़ के साथ, अपने गेस्ट के साथ सवाल करना होता है और हम सवाल की ही बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए. तो मैं मरियम से अभी थोड़ी देर में जाके ये सवाल करूँगी कि वो आज हमें क्या बनाना सिखा रही है. लेकिन उससे पहले मैं अपनी टीम का आपसे तारुफ करा दूँ. दिस इज़ जुरेन, माय लीड सिंगर. पाशा गिटार पे, और बांसुरी वाले अशरफ. एंड इस्माइल.
और हमारी शेफ मरियम। तो चलें हम मरियम से जाके सवाल करते हैं कि वो आज हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। कुछ है भी कि नहीं उनके पास मेन्यू में। हेलो मरियम, हाउ आर यू? वंडरफुल। व्हाट इज दिस? ड्राइड एगप्लांट्स। क्या क्या किस्में हैं भाई? इन्होंने बैंगन के साथ क्या कर दिया? यू गाइज ईट अ लॉट ऑफ एगप्लांट। या वी लाइक एगप्लांट्स। हां, एगप्लांट, एगप्लांट, बैंगन जो है ये अमूमन डिशेस में इनके इस्तेमाल होता है, स्पेशली इन द ऑटोमन। या ऑटोमन कुजिन इज अ वेरी ह्यूज प्लेस for eggplants. We are making purees, we are making meals, we are making kebabs, we are making stuffed dolmas. Har cheez inki baingan se banti hai, lekin wo bahut mukhtalif qisam ki cheeze hain. Wo ye nahi hai ki ek hi jaisi cheez ye bana rahe hain. Aur ye this is dried. Ye maine to kabhi nahi dekha hai baingan ko is halat mein kam se kam. Haan ji. Okay. So what are we doing now today? We will stuff the eggplants. We call it how do you do this? Patlıcan dolması. First we will boil them until our nail gets easily inside on it. Okay. It's just 15 minutes. 15? 15 minutes, yes. All right, and then what do you do? Then, just take it out of it? Or what? No, no, no. We will no, make how do you make this? This is what I'm asking. We are taking out and then dry in the sun. No, first you boil it and you take it out? Or yeah, how? Yeah, yeah, exactly. We are first okay. Boil it. Because you'll have to tell us, because I've not seen anything like this. So my audience will not know how to get these. Yeah. You know, मैं मरियम कह रही हूँ कि बनाने का तरीका तो बताएं, इसमें स्टफिंग तो हमें समझ आ जाएगी कि क्या क्या भरना है, लेकिन ये कैसे हमने इसको बैंगन को इस हालत में हमने कैसे पहुँचाया है ये पता करना ज़रा ज़रूरी है। So you'll have to tell us. Okay. All right? Yeah. As you said before, we are boiling it and then we are taking inside of the eggplants and then we have two choice for making it dry. First in the oven, a low heat, like long hours, like 3 or 4 hours at and the how oven. Much heat? Something like 120 degrees Celsius. Okay. Now दो तरीके, एक तरीका ये है कि आप इसको first you have to boil it. Yeah, yeah, आप इसको boil करें, इसके अंदर से जो उसका गूदा है या जो बैंगन है वो आप सारा निकाल लें और उसके बाद इसको low heat पर oven में 2-3 घंटे के लिए आप 2-3 hours आप oven में रखें on low heat, that is 120. Yeah. आंच जो है 120 रखें एंड द अदर वे टू डू इट मोर ट्रेडिशनल वे इज इन अंडर द सन बट यू डोंट हैव सन या टुडे वी डोंट हैव सन बट एक्चुअली इट्स अ वेरी सनी एरिया व्हिच वी टेक दीस एगप्लांट्स ओके दूसरा तरीका वही है ट्रेडिशनल जो पुराना हमारा जैसे सेंचुरी से रहा है कि जो भी आपने मिर्चें या जो भी सब्जी सुखानी होती है आल्सो ये सी आर आई थॉट इट वाज गार्लिक फॉर मी या You know, you can wear it as a Yeah, garden. Exactly. What is this? This is the peppers, red peppers. Also, we are making dry them. Oh, अच्छा आप इसी तरीके से इसको धूप में भी सुखा सकते हैं. But वो जरा लंबा process है. आप oven में भी, you know, easily कर सकते हैं. Okay, this is ये तो लाल मिर्च है, red pepper. Red pepper. Okay. And we are making dolma, all of them. Dolma is a huge culture in Turkey. We have many kinds of dolmas. Dolma. Dolma. Dolma means stuffed. Stuffed. जैसे अभी इसमें स्टफिंग होगी या किसी चीज़ में भी स्टफिंग की जाती है यहाँ पे ज़्यादातर डिशेज ऐसी हैं जिसमें स्टफिंग होती है तो डोलमा इज़ वेरी पॉपुलर काफ़ी पॉपुलर है वी आर स्टफिंग एगप्लांट्स पेपर्स मीट एंड देन यू स्टफिंग योर माउथ या या एग्जैक्टली तो बहुत सारी स्टफिंग्स हैं जी बैंगन की हैं आप ग्रीन पेपर रेड पेपर उसमें करते हैं बहुत सारी तरीकों से स्टफिंग की जाती है और उसके बाद फिर आप अपना मुंह स्टफ कर लेते हैं उसे दैट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड व्हाट इज दिस दिस इज अ डिजर्ट यू आर सीइंग चिकन हियर बट इट्स जस्ट स्टिल अ डिजर्ट मीठा मीठा बनाएंगी चिकन पुडिंग चिकन पुडिंग आई थॉट इट वाज अ पाई सॉर्ट ऑफ अ थिंग बट चिकन पुडिंग ओह गॉड इट्स रियली अ पुडिंग Sweet I don't think I'm going to like it. You will like it. Chicken pudding, meat. You can dessert? Never understand it's chicken while you can eat. So what's the point of having chicken if it doesn't taste like chicken? It must be not a young chicken. Must be an old chicken. When you are cutting it, it must be an old chicken. Oh, अच्छा इसके अंदर ये जो ये तो आपको try करके देखना पड़ेगा. ये तो मैं चखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि ये chicken and pudding ये तो बड़ी You know, it's very interesting लग रहा है मुझे और इसके अंदर ये जब चिकन आपने इस्तेमाल करना है वो यंग चिकन नहीं करना ओल्ड चिकन वेरी ओल्ड लाइक 70 years old I don't think so they live that but yeah it must be old for a chicken ओल्ड चिकन जो है वो आपने यूज करना है इसके अंदर मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस डिश के बारे में और मुझे नहीं पता कि मुझे ये अच्छी लगेगी कि नहीं इफ आई डोंट लाइक इट आई विल टेल यू ओके ओके नो प्रॉब्लम बट ये आप ट्राई जरूर अच्छा ये सो दिस इज लाइक अ बेट दैट आई एम गोइंग टू लाइक दैट
bet. We are betting on it. Okay, okay. No problem. That I'm going to like it. ठीक है जी देखते हैं अच्छा so what is this what are you this rice meat it can be lamb or beef we have tomato sauce some tomato paste but if you want you can use pepper paste onions garlic we have red chili pepper and sumak we call it it's a kind of pepper which we buy from the Gaziantep area in Turkey and if you don't have it what do you do you can use lemon juice Lemon juice. It gives a sour taste. Oh, okay. अच्छा ये जो इनकी एक खास किस्म की है, what do you call it? Sumak. Sumak. अगर ये आपके पास नहीं है, तो आप lemon juice use कर सकते हैं, क्योंकि इसका खट्टा taste है. खट्टा सा taste है, तो आप lemon juice कर सकते हैं. अच्छा. We will prepare a sauce while cooking it. We are using olive oil, pepper paste, and pomegranate syrup. Pomegranate, anar ka syrup. How do you get this? We are using it so much also in our kitchen, and we are using it dressing or some giving sour taste. So you get it from the market? Yeah. You can find it in the market. And if you don't get it, if you don't have lemon juice, also lemon okay. Lemon juice. क्योंकि pomegranate का इस तरह ये sauce में डालने वाला जो है ये मैंने नहीं देखा है. इसकी जगह आप lemon use कर सकते हैं. And this is chili paste. Chili paste. Chili paste है. This is salt. And this is tomato paste. Tomato paste है. प्याज है. And this is beef. 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 Okay. So these are the things. And this is olive oil. Olive oil. Okay, Mariam, get to work then. Sure. हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ. लेकिन उससे पहले हमारी जो गेस्ट होंगी आज सेलिब्रिटी गेस्ट जो इस कुर्सी पर आके बैठेंगी हम उनका आपसे तारुफ करा दें. बहुत वर्सटाइल अदाकारा बहुत कम टाइम में उन्होंने जितना भी काम किया उन्होंने प्रूव किया कि शी इज़ वर्सटाइल बहुत एक खूबसूरत चेहरा एक खूबसूरत पर्सनालिटी मॉडलिंग की है थिएटर किया है टेलीविजन किया है फिल्म कर रही हैं और उसके अलावा शी इज़ नॉट इवन लिविंग इन पाकिस्तान लेकिन वो आपको पाकिस्तान में ज़्यादातर नज़र आती हैं बिकॉज उनका काम ऐसा है शी इज़ वेरी टैलेंटेड बहुत कम अरसे में उन्होंने आपका दिल जीत लिया Beautiful face, beautiful personality, and very, very talented. मैं आपको ज़्यादा curiosity में नहीं डालूंगी आज की हमारी जो special guest हैं वो हैं सनम सईद आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं एक छोटी सी break के बाद Stay with us, Jiren, let's take a break. Welcome to Sunrise from Istanbul. Sanam Saeed हमारे साथ हैं. I'm very excited, Sanam. Thank you. मैं पूछना चाहती हूँ तुमसे कि जब मौसम ऐसा हो, generally एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब हम लोग shooting करते हैं, तो सर्दी जगह पे भी कर रहे होते हैं, सर्दी भी होती है या गर्मी होती है. गर्मियों में हमने गर्म कपड़े पहने होते हैं, सर्दियों में हमने ठंडे कपड़े पहने होते हैं. You know, how do you manage it? I guess you just have to tell yourself कि बस सब काम करना जैसे I remember I did a lawn shoot in Skardu in 2 degrees in lawn. कैसे? बस I went blue, I got frostbites, the photographer had to stop. जैसे ही कुछ गर्म पहन के कॉफी पी के ओके कुछ टटर के पोज हो रहा है बट आई मीन यू हैव टू डू इट मैं स्कॉटलैंड में शूटिंग कर रही थी इतनी सर्दी थी और फिर उन्होंने आउटडोर रखना होता है क्योंकि जब आउटडोर लेकर जाते हैं तो कहते हैं फिर हमें आउटडोर दिखाना है ना चाहे कुछ चाहे जो है ना जो एक्टर है वो डायलॉग्स थे और वो बड़े इमोशनल डायलॉग्स थे मेरा मुंह फ्रीज हो गया यू कांट मूव तो बड़े बड़े आप लोग ये ना समझें कि आसान होता है और उसके बाद जब हम इंग्लैंड में काम करके आए सर्दियों में कोट शॉर्ट पहने में उसका जो कराची में करके गर्मियों में कराची आके किया तो उसमें वो कोट शॉर्ट पहनने पड़े गर्मी में पागल हो गए थे
So, बहुत सारे challenges होते हैं, आसान काम नहीं होता है, मुश्किल होता है. So, पर हर काम में मुश्किलात होती हैं. I mean, I'm sure. किचन में खड़े होकर गर्मी में आके सामने खाना बनाना मैं वही कर रही हूँ. सनम, आफ्टर मैरिज हैज मूव टू दुबई और ये आजकल अपने हस्बैंड का इंतजार करती हैं, फिर उनके लिए खाने पकाती हैं. दिस इज व्हाट शी इज डूइंग. जब जब इनको कोई प्रोजेक्ट करना होता है तो फिर फौरन निकल जाती हैं दुबई से, है ना. सो हाउ इज लाइफ इन दुबई? इट्स वेरी नाइस. कराची से तो मेरा दिल जुड़ा हुआ है, बट सैडली आप जो भी कहें, सेफ्टी की जो फीलिंग होती है, मैं तो बहुत इंडिपेंडेंट होती हूँ कराची में, लेकिन कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता दुबई में. दरवाज़ा अगर लॉक नहीं किया या अकेले चले गए कहीं, उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं होती. एंड पहले मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था दैट व्हाट इज़ दिस फीलिंग दुबई आके, कुछ महसूस हो रहा है बट समझ नहीं आ रही थी. एंड आफ्टर गोइंग बैक टू कराची वंस एंड कमिंग बैक, आई रियलाइज्ड आई एम नॉट फीलिंग हैवी विद स्ट्रेस ऑफ द हालात. So that's one thing that's really... This is sad. Hamara mulk, hum nahi apna mulk chhod ke jana chahte. Seriously, you know, itne ties hain, itni family hamara, aur hamara system aisa hai ki hamari, aur puri lives hain. Ekdam aap utke nahi sara kuch chhod ke ja sakte, apne aap ko uproot nahi kar sakte. Lekin bahut sari families mein dekh rahi hum aisa ho raha hai, which is sad kyunki hamari security conditions aisi nahi hain. Aur main, हम सब यही चाहते हैं. नोबडी हमारी जो सुबह निकल के एक बंदा काम पे जाता है उसकी फैमिली के ऊपर यही स्ट्रेस रहे कि पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा, या इफ वुमेन आर नॉट सेफ. तो दिस इज़ नॉट द काइंड, इस तरह की लाइफ हमें नहीं चाहिए. एंड हम एज अ नेशन इस बात की प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हर सेकंड कर रहे हैं कि भाई हमें सनम वापस चाहिए. नो, इट्स अबाउट फीलिंग सेफ. इट इज, यू डोंट रियलाइज व्हाट अ बिग how important it is to feel safe. Aap, you know, aapki family ke liye, aapke bachchon ke liye, people are mostly concerned for their children. Ke bachchon ki wajah se unko shift karna padta hai. I still feel you don't have to run away. Aap rahe Pakistan mein. Bahut sare log rehte bhi hain aur hum reh bhi rahe hain. Aisi bhi baat nahi hai. Bhagne ki zarurat nahi hai. Uske liye. But hum deserve karte hain. Hum ek bahut amazing qaum hain. Hum aur resilient kitne. Bilkul. Phir bhi hum jab shooting kar rahe hote hain to bahar wo patakhe chal rahe hote hain. Dhamake, patakhe, firing jo bhi. Aur shooting ho rahi hai aur hoye ja rahi hai. On air bhi chala jata hai. So you were living in England mein bhi na? इंग्लैंड में पैदा हुई, 6 साल 7 साल की उम्र में कराची शिफ्ट हो गई. एक्सेंट अम्मी ने बहुत ये किया कि अभी अरे 2 महीने के लिए लोग जाते हैं मुल्क से बाहर, उनके एक्सेंट चेंज हो जाते हैं. बहुत सबको तो हम भी जानते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं दुनिया बनाने के लिए. लेकिन मेरा मतलब है कि मैं भी बहुत दफा गई हूँ. वेल दे थिंक, जब मैं अंग्रेजी में बोलती हूँ तो कई लोगों को लगता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है मेरा. बहुत ही साफ है, बिकॉज बचपन में अम्मी, दादी, अब्बू वगैरह सब उर्दू में ही बात करते थे. ये इस फिक्र में कि हम अंग्रेजी बच्चे ना बन जाए. फिर पाकिस्तान आके बस अंग्रेजी बोलने लगे हम. पाकिस्तान ज्यादा अंग्रेजी बोलने लगे, पता नहीं क्यों. बिकॉज उनको फिक्र है कि हम ज्यादा वो अंग्रेजी ना. हाँ, सो इट्स ऑलवेज दिस बैलेंस दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड. एंड अभी होस्टिंग वगैरह या किसी, यू आर आस्किंग मी क्वेश्चंस, आई एम आंसरिंग, एंड आल्सो आई कांट जस्ट आंसर ऑल इन उर्दू. बट स्क्रिप्ट हो, पढ़ना आता है, लिखना आता है उर्दू में, तो आई थिंक इससे फर्क पड़ता है. बिल्कुल फर्क पड़ता है. और हम कई दफ़ा, क्योंकि हमारा शायद एजुकेशन का मीडियम जो है वो ज़्यादातर अंग्रेजी में है, इसलिए हम, और ये समझी भी जाती है, आम लोग समझते हैं. तो आई फील के आप नेचुरली उसमें बात करना शुरू कर देते हैं, और वो ये नहीं है कि आप बोले जाते हैं उसमें. लेकिन होस्टिंग में मैंने एक जगह देखा है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उर्दू ज़्यादा बोलें. आई सॉ यू होस्टिंग एक शो में, तो वो बिल्कुल ही सारा कुछ ही अंग्रेजी में हो गया था. वो ज़रा ज़्यादा हो गया था थोड़ी सी हमें उस पर, बिकॉज टेलीविजन पर जो शोज़ होते हैं वो हमारी आवाम के लिए, उनको उर्दू के लिए, और फेमिलियर हैं सब अंग्रेज़ी से, ऐसी बात नहीं. और मैं कहती हूँ कि हमारी शुरू से जिस जैसे यहाँ पे मैं, जो मुझे पता है वो ये है सनम की एजुकेशन सारी यहाँ पे, देखें अंग्रेजी कोई नहीं बोल रहा ना, तो उनकी सारा सिस्टम, अगर आप पीएचडी भी कर रहे हैं तो आप अपनी ही लैंग्वेज में कर रहे हैं. पर हाउ डू यू फील अबाउट दैट? यहाँ मुश्किल नहीं है? मुश्किल है, लेकिन आई रिस्पेक्ट इट कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात. मैं अभी बात यही हो रही थी कि यहाँ पे सीख लेंगे, लेकिन वहाँ अंग्रेजी जानना, आई गेस बिकॉज यहाँ पे बहुत, लाइक यू कांट मूव हियर because you have to know the language. Yeah. And I was thinking, Pakistan mein aap kisi fruit wale ke paas chale jao, yeah, ya kisi bhi restaurant mein, ya taxi driver, jo bhi, tutti putti English to aa jaati hai, samajh aa jaati hai unko. Yahan pe bilkul nahi aati. Bilkul nahi aati. Achhi baat hai ki wo patriotic hain aur apni zuban ko khona nahi chahte, lekin matlab ki bilkul bhi nahi. Nahi, bilkul sahi hai. Main
समझती हूँ सारी आप लैंग्वेज सीखें, आप जो मर्जी करें। मुझे जिस बात से इख्तलाफ है ना वो ये है कि आप अपने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें पहले आप एकदम सारी उर्दू में सारा कुछ सिखाते हैं, उसके बाद आप एकदम कहते हैं कि अगर हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो इंग्लिश में चले जाएं। ये ज्यादती है स्टूडेंट्स के साथ, ज्यादती है। और फिर ये एक आपने फ़र्क क्यों रखा, क्लासेस बना दिए। हमारे तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम नान है, होना ही नहीं चाहिए, हमारा तो मतलब डजंट अलाउ इट। तो हमने ये खुद ही कास्ट सिस्टम बना दिए। Which is, I think. And another thing beautiful about Turkey was the जिस तरह सब लोग equally रहते हैं यहाँ पे, हर किस्म के मज़हब हैं, tolerance है। इनकी जो museums and sightseeing की जगह की beauty यही है कि it'll show you Christianity की भी चीज़ें, मुसलमानों की भी चीज़ें, और इस आती हैं in the Hagia Sophia। It's beautiful because you see the Christianity के emblems along with you know Muhammad के नाम, Allah का नाम और सारे, I saw it yesterday, बहुत अच्छा लगा। overwhelming किस्म की आपको feeling, tolerance, patience, respect हर एक की, और हमें ये सीखना चाहिए, हमें ये बिल्कुल अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें और आज से ही करें, इंतजार ना करें कि कोई आके करेगा, आज से ही इस टॉलरेंस को करें। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल में मेरा तुमसे फ़र्क हो सकता है, बट आइदर आई कन्विंस यू और यू कन्विंस मी, बट हमें टॉलरेंस जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। और हमें जिस तरह हम लोग अभी सर्दी में टॉलरेट कर रहे हैं मौसम, टॉलरेट कर रहे हैं और एक दूसरे को भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, सो यू लव टर्की? पहली दफ़ा आ रही हूँ, हमेशा आने का प्लान बनता था लेकिन कभी हुआ नहीं। But it has everything. It has the old side. It has history. It has modern development. It has Balancing. trees. It has beautiful homes, architectures, museum, pani, pahad. Pakistan, so, yes. एक दफा और आना बनता है। बिल्कुल आना है। बार-बार आना बनता है। बचपन में बचपन से मॉडलिंग क्या शौक था तुम्हें, शुरू कर दी? बिल्कुल भी नहीं। अम्मी के दुपट्टे लग पहन पहन के। वो एक्टिंग का शौक इन कपड़ों से हुआ था, मॉडलिंग का तो मॉडलिंग बस हो गई, लंबी थी इसीलिए हमारा क्राइटेरिया यही होता है। कपड़े वो हाँ जो अम्मी रखती थी, दुपट्टे से बाल बनाती, दुपट्टे से लंबे बाल। मेरी अम्मी वो जो नहीं होते स्टॉकिंग्स, स्टॉकिंग्स को आप अगर सर पे डाल दें तो दो चोटी बन जाती है, और फिर अम्मी उसको बिल्कुल ही नीचे हमारे मुंह पे डाल के हमारे लिए आंखें मुंह, ये तो इट वाज अ मास्क, लाइक अ मास्क विद दीस चोटीज, वेरी फ्रीकी। लेकिन अम्मी ने बहुत, हाँ आई थिंक अम्मी की वजह से टू एंटरटेन थ्री चिल्ड्रन, क्या करती हैं वे थ्री, मैं सबसे बड़ी हूँ, एक भाई एक बहन है, तो हमको एंटरटेन करने के लिए आई थिंक माएँ पता नहीं क्या कुछ करती तो ये मामा वो क्या वो जो गुड़िया के घर बनाते हैं और खेलते हैं टिश्यू के डब्बों से कार्टन लेके, शी वॉज एन आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर ऑल्सो इन स्कूल, सो रिसाइकलिंग के चक्कर में जो भी खाली सीरियल के डब्बे वो उसको बना के काट के काफी चीजें हम लोग बनाते थे। सो दैट वाज फन। बचपन ज्यादा क्रिएटिव नहीं होता, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हमारी जो बड़े होके लाइफ शायद उतनी नहीं रहती। आई थिंक वो जो है बचपन के का जो एलिमेंट है वो रखना चाहिए। सिंपलिसिटी, एनीथिंग एक्साइट्स यू बचपन में, ये आपके कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होते, सब कुछ न्यू होता है, आपको सीखने का बहुत शौक होता है। बड़े होके आई थिंक हाँ ये कर लिया है वो कर लिया, किसी चीज़ में एक्साइटमेंट नहीं रहती, एक्साइटमेंट नहीं रहती है। और हमें एक्साइटमेंट अपनी लाइफ में क्रिएट करते रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लाइफ को सिंपल रखेंगे तो एक्साइटमेंट आपके ज़्यादा क्रिएट होगी। एनीवे हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और फिर पूछते हैं सनम से कि ये और क्या क्या, मैं आपको बल्कि बताऊँगी अगर ये छुपाने की कोशिश भी करेंगी तो आई टेल यू। जुरैन, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। सनम हमारे साथ हैं, उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। किस किस की नकलें उतार के तुमने एक्टिंग सीखी है? टीचर्स की टीचर्स की मैं नकलें उतारती थी और
आंटियों की नकल जो इंटरेस्टिंग है वो और जो अब करीब नहीं है, ऐसे चांस नहीं है कि वो आंटी या वो टीचर देख लेगी? देखिए ये बात कुछ 10-12 साल पुरानी बात है तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। चलो अभी किसी की नकल उतार दो। This is your producer was asking me and I said, unfortunately, I've become a very serious person. I used to do comedy, I used to be very, like, the joker of the class, the joker of the family. But drama ne to meri, pata nahi, nichod diya, usko nikal diya. Rula ke, serious, lada ke. Main, bahut hi, I need to find something that will get me out of this. Out of because that I literally thing. Have become like this. So, aur kyunki ab simti rehti hai na drama mein aur ek aansu ye. How do you get out of it? I don't know. Are you affected by it? Yes, मुझे लगता है पर्सनालिटी में आपके चेंज आता है ना? रोज एक ही जैसा चीज करते हैं। लगता है कभी मैं पागल फील करती हूं। मैं पागल ना होते तो आप बिल्कुल यू हैव टू बट लाइक किसी भी सिचुएशन में किसी के साथ बात करते हुए या लड़ाई करते हुए या हंस के जो भी मैं हमेशा मुझे लगता है मैं एक्टिंग कर रही हूँ। कभी मेरा भाई या फरान भी लाइक ये कोई ड्रामा नहीं है। ड्रामा नहीं। अच्छा फिर हम अगर सच भी बोल रहे हो और बाकी कुछ तो ये ड्रामा नहीं। अरे भाई हमारी अपनी भी लाइफ है, हम खुद भी अपना कुछ कह सकते हैं। इन ऑर्डर टू कभी कभी एक्टिंग में रियलिस्टिक होने के लिए आप अपनी एक्सपीरियंसेस या थोड़ा अपने आप को मेंटेन करके यू पुट इट इन अ कैरेक्टर सो इट्स नॉट सो यू कैन कनेक्ट। So sometimes you will see a little bit of me in the characters and then people who know me कहते हैं ये तो तुम हमसे ऐसे बात करती हो या हाँ तुम तो बिल्कुल ऐसे ही रोती हो जो भी। तो जब रियल लाइफ में हो रहा होता है तो उनको वो ड्रामे वाली शक्ल नजर इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। इट कैन बी कंफ्यूजिंग लेकिन हाँ इट्स लाइक आप रोना धोना ही नहीं बिल्कुल खत्म हो रहा। आई थिंक वी नीड टू चेंज दैट बट थिएटर इज लिबरेटिंग। थिएटर पर जब आप काम करते हैं तो वो एक्टर का मीडियम है, बाकी सारे तो है ना कोई राइटर का मीडियम है, डायरेक्टर का फिल्म इज डायरेक्टर्स मीडियम, लेकिन थिएटर पे जब एक्टर गया खुला छोड़ दिया आपने उसको स्टेज पे फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। हाउ डज इट फील थिएटर के साथ? द बेस्ट द ब्यूटी ऑफ थिएटर इज इट्स अ टू वे स्ट्रीट। आपकी एनर्जी ऑडियंस से आती है और ऑडियंस की एनर्जी आपसे आती है। इट्स नॉट लाइक कैमरा जहाँ पे सिर्फ आप हैं और आपके को एक्टर्स और बस एक मशीन है आपके सामने। थिएटर में बस ये है लाइव रिएक्शन। अगर आप लो हो तो नो मैटर व्हाट द लाइंस आर जोक्स आर दे नॉट गोइंग टू फील देम। और जब एक ताली निकलती है एक वो आवाज़ निकलती है ऑडियंस में से तो आपको बस जोश पड़ जाता है और आप फिर जोर लगा के परफॉर्म करते हो। और रिहर्सल्स की तो बात है तो चार महीने अगर आप लगातार एक ही कैरेक्टर को बार बार करते जा रहे हो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड सो द होल ग्राफ ऑफ इमोशंस एंड एवरीथिंग ऑफ द कैरेक्टर सेट इट बिकम्स यू इट्स अ सेकंड नेचर। सो देन यू हैव द लिबर्टी टू अगर कोई लाइन भूल भी जाए तो आप उसको ऑडियंस को क्या पता और आप इतने कॉन्फिडेंस से कर सकते हो बिकॉज आपको पता है कि कैरेक्टर क्या है और स्टोरी क्या है और नेक्स्ट सीन में क्या होना है। कोई मजे का वाक्य जो स्टेज पे हुआ हो? इंटरेस्टिंग अभी हमने जो ग्रीस द म्यूजिकल किया था तो एक आर्ट्स काउंसिल में स्टेज पे बिल्ली आ गई। एक बेडरूम सीन था, हम चार लड़कियां थी तो बिल्ली आ गई। अब एक दो एक्टर्स थे जो फ्री का मतलब कि बिल्ली आ गई तो अब क्या करें। ऑडियंस भी देख रही कि बिल्ली आ गई तो मैंने बस बिल्ली को अपना पेट बना दिया। सो तो उस पे तालियां पड़ गई बिकॉज़ पीपल रियलाइज्ड दैट इट वाजंट अस सो दैट वाज फनी एंड आई मीन द न्यूज़पेपर्स रोट अबाउट इट हाउ वी हैंडल द कैट सिचुएशन एंड आई थॉट इट्स नॉट अ बिग डील। ये तो होता रहता है। लाइट चली जाएगी तो मैंने उस सरबत ने धानी में बिजली जाती थी परफॉर्मेंस के बीच में तो लोग अपना मोबाइल ऐसे फ्लैश करते थे तो कैरेक्टर में होके सरबत में एक दूसरे को तंग कर वो देखो जुगनू तो कहती हाँ अभी बुद्धू हो तो मोबाइल है। नो बट दैट्स ये भी तो एक हाँ बिकॉज आप अपने कैरेक्टर और अपनी उस जगह के इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि आप फिर उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं उसको हैंडल भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि जब आप एवरी डे 15 डेज और 20 डेज जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं कैसा होता है कि स्टेज पे पहली दफ़ा जाने में यू हैव बटरफ्लाइज कॉन्फिडेंस आ गया होता है? I think the first show only, but actually it butterflies bhi nahi hai. Aap 4 mahine se itna wo repetitive ho jata hai rehearsals ke you're dying to... audience nahi hoti na? Haan, but you're dying to go on stage ke bas koi dekh le humne kitna kaam kiya hai. To bahut zyada excitement hoti hai first day pe. And when you do it 15 times in a row, it's very difficult because you have to keep telling yourself ke ye unka first time hai. Aapne 10 dafa 4 mahine se kare aur aapka aakhri show bhi, but inka first time hai, so every joke, every line has to be as spontaneous, as energetic. For me, I mean, and that is difficult to keep that energy and up spontaneity, spark, sab kuch usko bilkul perfect and high rakhna.
लेकिन इतने सारे लोग जब इतने अरसे के लिए काम कर रहे होते हैं तो आई एम श्योर कि टेंशन्स होती हैं और पीछे लड़ाइयाँ होती हैं बहुत ज़्यादा. माइक नहीं चल रहा, ये हो गया, क्या हो गया, विग नहीं फिट हो रही, जिप टूट गई, कोई आते हुए ट्रिप हो गया, या क्यों, हाँ ये सब होता है. बट यू बिकम सच अ फैमिली, भाई बहन की तरह लड़ते हैं या जो भी, ऐसे कुछ ईगोज नहीं होते थिएटर में. ईगो ऐसा ऐसा खत्म हो जाता है, फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन ईगोज आपके बिल्कुल खत्म हो जाते हैं बिकॉज आप इतने वल्नरेबल होते हैं, सब की इंसल्ट से गुजर चुके होते हैं, हर किस्म की इंसल्ट फ्रॉम डायरेक्टर, फ्रॉम क्रिटिक्स, फ्रॉम हाँ. सो बट आपकी ईगो बिल्कुल नहीं, बिकॉज यू आर सो वल्नरेबल. आई डोंट थिंक आई फील वल्नरेबल ऑन कैमरा, नॉट ऑन स्टेज, बट मोस्टली यू आर बिकॉज यू आर राइट इन फ्रंट ऑफ द पीपल टू जज यू. सो आई थिंक दैट ब्रिंग्स योर ईगो डाउन. ये देखिए ना, ये थिएटर भी एक एक्सरसाइज की तरह है. आप क्यों नहीं करती थिएटर? मेरे पास 4 महीने नहीं निकलते, दैट इज मुझे बहुत सारी ऑफर हुआ, राहत साहब ने भी कहा एंड आई वांटेड टू, मैं करना भी चाह रही थी, लेकिन वही कमिटमेंट इज फॉर 4 मंथ्स. तो एक दफा कर लेना बिकॉज उससे दिल खुश होता है, बहुत बहुत दिल खुश होता है और वो सोल के लिए अच्छा होता है. मैं बहुत पहले किया था, हम लोग गोएथ इंस्टीट्यूट इन लाहौर और हम अमेरिकन सेंटर, ब्यूटीफुल, आई मीन इट्स वो एक्सपीरियंस ही कुछ और है और एक्टर को करते रहना चाहिए बिकॉज वो उसको रिजुविनेट करता है. बट somehow क्योंकि वो इतना कुछ रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं और इतनी सारे प्रोजेक्ट्स फंसे होते हैं दैट नहीं हो सका, जबकि मैं करना चाहती हूँ. आई थिंक अगर मुझे कभी मौका मिला और अच्छा ऐसा प्रोजेक्ट हुआ है, आई कैन टेक आवर टाइम, आई विल डेफिनेटली डू इट. सो टैंक्यू पे चढ़ती रही हो तुम. अजीब अजीब चीज़ है ना, एक दफ़ा मैं भी गई थी, एक दफ़ा मैं भी चढ़ी थी, मुझे पानी की बड़ी टैंकी. उस पर तो बहुत चढ़े बचपन में, वैसे ही कुछ एक्साइटमेंट के लिए कुछ करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो टैंकी पे चलते हैं और फिर कराची के फिर क्या देखते हैं नीचे शहर को. ये जो टैंकी थी, ये रेक्टेंगल टैंकी थी मेरे बिल्डिंग में, तो वो उससे भी शौक पड़ा एक्टिंग का बिकॉज इट वाज लाइक अ स्टेज. तो यू हैड दिस थिंग इनसाइड, हाँ बस परफॉर्म करना था. सो इट वॉज बिकॉज इट रिमाइंडेड मी ऑफ अ स्टेज. मैं कहाँ जहाँ पे भी पर्दा मुझे नजर आए, जैसे आप नथिया गली जाओ तो समटाइम्स द हॉस्टल्स द सेपरेटर्स फॉर द रूम्स आर कर्टन्स, या किसी के ड्रेसिंग रूम में या जो भी, बस पर्दा मुझे नजर आए ना. आपका दिमाग क्रिएटिविटी की तरफ जो चीज है, बट आर यू थिंकिंग अबाउट, डू यू सी इट इन अ डिफरेंट वे दैट ओह दिस कैन बी यूज्ड लाइक दिस. एंड आई वो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई थिंक आई ओ दैट टू माय मदर बिकॉज वो हमें बहुत दे के जाती थी लंदन में जब हम लोग रहते थे, और यास्मीन इस्माइल के प्लेज और अली सलीम जब उनके साथ काम करते, तो अम्मी बहुत लेके जाती थी हमें प्लेज देखाने, एलियंस फ्रांसिस पे, पीसीसी, सारे. सो ऑल ऑफ दोज पुरानी म्यूजिक, व्हाई आई लाइक म्यूजिकल्स, बचपन में सारे म्यूजिकल्स मैंने, अंग्रेजी वाले, माय फेयर लेडी, साउंड ऑफ म्यूजिक, ऑल ऑफ दोज, आई विश दे वुड मेक पाकिस्तानी म्यूजिकल्स लाइक दैट. गाती भी तो तुम बहुत अच्छा हो. नहीं, सिर्फ जब मैं कैरेक्टर में आती हूँ. वैसे अगर आप कभी भी मुझे कोई कहता है सर हम गाओ, आवाज़ नहीं निकलती लाइक ये पहले से ही सर हमने हमें वार्न कर दिया कि अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगी कि गला खराब है, मैं कहूंगी आवाज ही नहीं निकलती. आई जस्ट टू बिकॉज आई गेट टू बिकॉज सनम कांट सिंग, बट पुट मी इन कैरेक्टर जिसके साथ मैंने तो चार साड़ी पहनी हुई है, तो मैं तुम्हें किसी कैरेक्टर में डाल देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है. किसी साड़ी वाली कैरेक्टर ने गाया नहीं है. बहाने तो सारे तैयार हैं. ये देखो ना, ये तुम्हें पहले से सारे बहाने आते थे कि ये ज्यादा पॉलिश हुआ है शादी के बाद. नहीं नहीं, ये तो जब लोग पूछते हैं आई वुड ट्राई. शौक है गाने का बहुत. सिंगिंग व्हेन यू हिट द राइट नोट एंड आप खुल के जब गाते हो, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट लिबरेटिंग फीलिंग्स एंड आई रियली रिस्पेक्ट सिंगर्स एंड आई इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. चलो तुम्हें फिर गाना सुनाते हैं. ब्यूटीफुल सिंगर और ब्यूटीफुल वॉइस. सो जुरैन, सिंगर अ सॉन्ग, सिंगर अ सॉन्ग. इट्स नॉट अ लव सॉन्ग. इट्स नॉट अ लव सॉन्ग बिकॉज़ जुरैन हमेशा लव सॉन्ग्स गाती है मोस्टली एंड और डिफरेंट लैंग्वेजेस में. सो व्हाट इज इट? इट्स नॉट अबाउट फूड आई होप. नो, नॉट अबाउट फूड. यू नो नेम इज क्रेजी. क्रेजी. सो यू नो क्रेजी, लव इज क्रेजी. सो या ओके ओके.
It was crazy. तो FM पे फोन कर करके तुम गाने गाती थी? क्यों करती थी ऐसा? उनका क्या कसूर था? मेरे एक दोस्त थे उज़ैर, उनके बड़े भाई थे जुनैद मुमताज, जो FM 100 पे RJ होते थे. Why did I do that? बोरियत, ख्वारी, शुगल, बस कुछ था कि मुझे कुछ करना था तंग. तो मैं गानों को ट्रांसलेट करती थी. क्या कैसे, क्या मतलब? लाइक टाइटैनिक जब था तो सेलिन डियोन का माय हार्ट विल गो ऑन. उसको क्या कैसे, प्लीज टेल मी. तो मेरा दिल हर रात मेरे ख्वाब में, मैं तुम्हें देखती हूँ, मैं तुम्हें छूती हूँ, ऐसे मुझे पता है कि तुम चलते हो. पास दूर जहाँ तुम हो, मैं यकीन करती हूँ कि मेरा दिल चलता रहेगा. मेरा दिल चलता रहेगा, ये ट्रांसलेशन है? ये ट्रांसलेशन जो भी, हाँ, फजूल, नथिंग पोएटिक, नो नथिंग ब्यूटीफुल, बस लिटरल ट्रांसलेशन. एक फेसबुक के ऊपर लिखा पंजाबी, यू फैमिलियर विद पंजाबी, मुझे एक गाना इन मैडम का के जदों हॉली जाई लेना है मेरा नाम, मैं थाम मर जानी है उसकी. जरा उर्दू ट्रांसलेशन मुझे बताओ क्या है. लिखा हुआ था जैसे ही तो मेरा नाम से मेरे बाल उड़ जाते हैं, आहिस्ता से उसी जगह पे वफात पा जाते हैं. It was so funny, वाकई, you know, अगर आप किसी ज़बान से, हाँ, you can't exactly translate because you lose the essence and meaning. तो मैंने उस गाने को बर्बाद कर दिया, लेकिन melody वही थी तो सबको पता था obviously which song it was, and so I've done several songs like that, but oh my god, this is all 12 years ago. Kya 12 years is nothing, kuch bhi nahi hai. Anyway, hum ek choti si break lete hain, wapas aate hain aur fir poochte hain Sanam se ki ye aur kya kya. Main aapko balki bataungi agar ye chupane ki koshish bhi karengi to I'll tell you. Juran, let's take a break. After the break, Sunrise from Istanbul or Rising Star, Sanam Saeed is with us. Sanam, Coke Studio में तो backing vocals, तो उस वक्त तुम कह रही हो ना कि तुम्हें किसी character में होना चाहिए. देखिए, क्योंकि उस वक्त क्योंकि main focus मुझ पे नहीं होता ना, मैं तो background में होती हूँ with two other girls. Main focus. बहाने सुने, excuse, बात को पलटना, फिर पलट के झपटना, ये सीखे हैं आप Sanam से. मैं सीख रही हूँ, हाँ बताओ फिर. Focus नहीं था इन पे. पीछे ऊज आज आप कर रहे हो, आप गा रहे हो, बट आप चुप चुप के कारण अपने लिए. ये क्या बात है? बिकॉज कोकसूरी में कौन सा, टीना सानी के गाने पे या मीशा के गाने पे, जिसके तो मुझे तो नहीं देख रहे थे ना, ना सुन रहे थे, मीशा को सुन रहे थे, उनको सुन रहे थे, तो मैं बस ऐसे रियाज करती जा रही थी. तो फिर क्या सिंगिंग करनी है? Do you want to do something in singing? जस्ट एज अ पास टाइम, जब कुछ घर पे करने को ना हो तो खाना पक चुका हो, घर साफ हो चुका हो, और बस अब मैं उनका इंतजार करते हुए खिड़की में बैठ के. तो अगर उस वक्त एक उस्ताद या कोई सिंगिंग क्लासेस, जस्ट एज अ टाइम पास, दुबई में मिल जाएंगी मैं. आई एम श्योर, इफ आई लुक, इफ आई हैवंट ट्राइड अभी तो, अभी तो शिफ्ट हुई हूं, बट इफ आई लुक दैट वुड बी नाइस. आई मीन, इफ learning an instrument, it's never too late. Although when you're younger, आप ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा जल्दी उठाते हो चीज़ें. But to learn an instrument or that would be great. Or use your own voice as an instrument would be really nice. तो फरहान से, जो इनके हस्बैंड हैं, उसे किस टैंकी पे मुलाकात हुई? वही हम लोग रोमांस जो है टैंकी पे शुरू हुआ था. क्या था, क्या, व्हाट्स द स्टोरी, व्हाट्स द लव स्टोरी, और बैकग्राउंड म्यूजिक क्या चलता था उस वक्त? आई मीन, गिव मी अ सिनेरियो. उस जमाने का बैकग्राउंड 12 साल पहले, 1200 साल पहले. एक्चुअली नहीं, ये तो और भी पहले, क्योंकि मैं 6 साल की थी. It just so happened that we were neighbors. हम लोग तब कुछ नहीं, बाद में obviously. शुक्र है. बचपन में we were just neighbors. तो हम लोग, मैं अपने, ये एक दफ़ा बोल चुकी हूँ, अपने स्टार या हार्ट शेप सनग्लासेस पहन के आइसक्रीम खाती थी, और
या तो फिर अपने प्लेस के साथ बच्चों को इम्प्रेस या उनको बुलाना कि आओ बच्चों मैं डायरेक्टर हूँ आप. The funny enough, I used to like directing and acting as a kid, but direction का भी कोई शौक नहीं है. अच्छा, किस डायरेक्शन में जा रही हो? अब फिल्म्स की डायरेक्शन में थोड़ा हिम्मत बढ़ गई है. पहले आई वॉज अ लिटिल शाय ऑफ बीइंग ऑन द बिग स्क्रीन, ऑल्दो आई स्टिल हैवंट सीन what it would be like to feel on the big screen, but mujhe dar tha bahut zyada. Aap exploited to nahi, but vulnerable. You can be read completely. You're just heart and soul, I think, is out. Commercial films and all are mazay ke liye theek hai, but I really like, I'm a huge fan of cinema and films. Films change aapka, aapki soch badalte hain. They stay with you for life. They change generations, fashions, emotions, feelings, people. For me, a film is a really big deal. Yeah. Because it means so much to me. So I felt ki mujhe bahut tayar, ready hona chahiye. Mentally. Ki main screen pe aaun aur, and I'd like to do work that does make people feel moved, that changes them, that is part of a huge change, which is happening. Shashkon wale film mein time pass ke liye dekhne mein maza aata hai, but to be but a part of them. But wo aapke upar impact bhi chhod ke jaati. Nahi, lekin halanki abhi ek jo film release होने लगी है, इट इज़ इट्स नॉट अ सीरियस फिल्म, इट इज़ अ लाइट, बट समटाइम्स बिकॉज लोगों के कहने पे, आई थिंक इफ यू डू टू मेनी सीरियस रोल्स, वो बस समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस और बोरिंग टाइप हो जाते हैं. सो इट्स नाइस, आई मीन इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर कि आप वर्सेटाइल रहो. तो डिफरेंट चीज़ें जरूरी था. तो कोई ज़रूरी होता है कि अगर फिल्म करे तो फिर आप ड्रामा ना करो, टेलीविजन ना करो, गाना ना गाओ? जो मैं देख रही हूँ पैटर्न, हमारे एक्टर जो फिल्म की तरफ जा रहे हैं वो आई थिंक बहुत मुश्किल से टीवी की तरफ आएंगे वापस. बिकॉज फिल्म स्टार कहाँ और टीवी एक्टर कहाँ. लेकिन आई थिंक कि हमें टीवी ड्रामा नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज सिनेमा तो दूसरे शहरों में बहुत बड़ा है, इट्स अ बिग पार्ट ऑफ द कल्चर, लेकिन हमारे कल्चर में टीवी इज इट. टीवी इज व्हाट हमारी खवातीन क्या करती हैं. इमरान इज डूइंग फिल्म्स एवरीवेयर, बट वो ड्रामा भी कर रहा है. इमरान, आई रियली रिस्पेक्ट फॉर दैट, बिकॉज ही इज पाकिस्तानी टीवी ड्रामा हीरो. हीरो तो बनेगा कई फिल्मों में, लेकिन हीरो तो है हमारे सिल्वर स्क्रीन के, आई मीन टीवी स्क्रीन्स पे एट होम. And for me, and dramas are female based. It is for it. It's a mostly a woman based. Women, जबकि फिल्म में उस तरह नहीं. Films are for men mostly, yeah, but mostly. The women dominate. And that has to change. TV. हमें अपना एक genre create करना है कि पाकिस्तानी फिल्म क्या है और हमारी अपनी identity क्या है. बिल्कुल. हम सिर्फ बाकी उनके कल्चर से या बाकी जगह से जो जो सक्सेसफुल हैं चीज़ें उनसे इम्प्रेस होकर, बट मे बी हम सीख रहे हैं भी, वी एज ह्यूमन बीइंग्स हमें रोल मॉडल्स की ज़रूरत होती है टू लुक अप टू समथिंग और समवन. तो अभी हम लोग वहाँ हैं, वी लुक अप टू आवर नेबर्स हु आर डूइंग इट, हु आर नो वन डज इट बेटर देन देम. सो आई थिंक हम लोग अभी उनको देख के सीख रहे हैं, बट आई होप कि हम ज़्यादा वो कॉपी पेस्ट ना करने लगे एंड एक्चुअली सीखें. तो मीर वॉज, हाउ वॉज द एक्सपीरियंस? Amazing. Mahe Meer is a film written by Meer ka Chand. Meer ka Chand. Haan, Meer Taki Meer ke upar the. His obsession with the woman in the moon. That is played by Iman, and Fahad Mustafa is portraying Meer Taki Meer's character. And I am playing a character inspired by Parveen Shakir. Shairon ka zamana tha, and how this shaira is commercial, gives in to jo kuch whatever the public wants, and schmoozing and talking to people, getting the contacts banana wagaira, apne kaam ko is tarah aage karna. Whereas jo Fahad ka character hai, wo jo log kehte wo nahi likhna chahta, wo hai jo us pe aamad hoti hai. Meer Taki Meer, bilkul jo real original, bilkul rebellious original, just and to be famous because of that. So I have a supporting role in that. I have a few scenes, but it was interesting to work with Sarmad saab. Sarmad amazing saab, amazing. Why I really enjoyed it, because when they called me, they said rehearsals hongi, voice training, because awaz thodi utar chadhao awaz bilkul dikhayenge. Mono, hum log mono, as much as we love dramas, I love dramas, hame koi kuch sikhata nahi hai. हमें सिखाया करते थे, हमें डांटे पड़ती थी, इसीलिए तो that's what I miss. PTV के ड्रामे के दौर के एक्टर्स आर सो वर्सेटाइल, सो सीरियस, सो हार्ड वर्किंग, नॉट दैट दे नॉट हार्ड वर्किंग नाउ, बट दैट्स वर्सेटाइल. हाँ, कोई नहीं है अब तो, जैसा भी कोई कह रहा है वो ही रोल हो रहा है, वो ही टेक हो रहा है, एंड दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन. सो आई डोंट लाइक दैट एट ऑल. को बताने वाला होना चाहिए. हमारी आदतें खराब हो रही, लाइक द मोमेंट आई डू समथिंग ऑन स्टेज, the director or co-director or even myself can hear the tone and oh, you change it immediately, because like monotone ban jata hai. TV pe yahi hai aur isse nikalna thoda mushkil hai, and especially when you're doing the same kind of characters, to wahi
आई नो वही आवाज़ बन जाती है. तो फिल्म के लिए आपकी आपको हर कैरेक्टर का एक सुर होता है, आपको वो सुर पकड़ना होता है एंड उस सुर को आपको चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर, द मूड, द फील ऑफ द सीन. आप उसी टोन पे नहीं बात कर और फिर हाँ आपको वो डिस्कवर करना होता है और उसको पकड़ के फिर चलना. कोई सिखाएगा या गाइड करेगा या कहेगा एक स्केल ऊपर करके बोलो पता चलता हाँ, यू कांट यू बिकम इम्यून टू इट. तो सरमद साहब के साथ आई वुड गो. व्हाट एन एक्सपीरियंस इट मस्ट हैव बीन अमेजिंग के गा के थोड़ा एंड बहुत ड्रॉली लाइक बिकॉज शी वाज अ वेरी बहुत पॉम्पस सोफिस्टिकेटेड कनाइविंग वुमन. So interesting character. Like सबको फंसाना अपनी जाल में type. So you know very confident speaking, seductive भी सब कुछ. So जिस तरह मैं फर्र करके बोलती हूँ फिर वो तो बिल्कुल नहीं. So you have to अपने आप को minus करके उसमें से निकालना. और you must have discovered जब इस तरह के लोग आपको उस्ताद बताने वाले हों वो आपके अंदर से वो निकालते हैं वो आपकी साइड निकालते हैं जो आपको पता भी नहीं हो. बिल्कुल भी नहीं. It's amazing. And you want to learn more because it's your craft. It's something that you've chosen to do. So obviously जब आप उस अपने ग्राफ को बेहतर करने की आप कुछ भी करेंगे तो करना चाहिए. लोग नहीं करते पर करना चाहिए. गो आउट एंड सीक वेज ऑफ बेटरिंग योर क्राफ्ट. एग्जैक्टली. हमारा अगला सेगमेंट है जी टुडे ऑन सीटीवी. सीटीवी पे सनम आज जो हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे जितने भी प्रोमोज हैं ड्रामे हैं या प्रोग्राम्स हैं उनके जो प्रोमोज एंड टीजर्स हैं वो हम इसमें दिखाते हैं. आप भी देखिए और फिर बताइएगा आपको कैसा लगा. बॉल कैच करो, बॉल कैच करो. याहू, हम आ गए. अब हम घर जा सकते हैं. आंखें बंद करें मामा. तुम लोगों से दोस्ती करना चाहता हूँ. मैं हूँ यालचन. तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई. मैं गुलचन. मैं हूँ नारचन. मैं नूरचन. मरहबा नाज़रीन, मैं आपके लिए तीन नई शानदार डिशेस के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ. सबसे पहले बहुत ज्यादा बनाई और खाई जाने वाली डिश मांस. इसके बाद फौरी तौर पे एक रवायती खाना पकाएंगे डॉन डोर में. आखिर में बहुत अच्छे अंदाज में प्रेजेंटेशन होगी यानी शरबत. अस्सलाम वालेकुम. आज हमारे पास एक से बढ़के एक रेसिपी है. सबसे पहले हम पुलाव बनाएंगे. बेक मीट विद वेजिटेबल्स बनाएंगे. सैलब जो कि आज की हमारी स्वीट डिश है. मैं इस हालत में अब तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ लड़की. मैं सिर्फ डिनीस को चाहती हूँ लेकिन वो उस लड़की से मिलता है. कोई फजूल हरकत मत करना. मैं सनम को परेशान नहीं देखना चाहती, समझे तुम. डेनीज उस लड़की को भगा कर ले गया है. एक लड़की को भगा कर ले आए और उसे घर में लाने की जुर्रत की. लड़की बहुत मुश्किल में थी. बेहतर होगा कि इल्जाम देने के बजाय आप अपनी सोच को बदलें. मुझे खुद पर बहुत फख्र है कि मैं हिजाब पहनती हूँ और सच्ची मुसलमान हूँ. कौन जाने किसके इंतजार में है धड़कने. थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी. आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ. कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह. हरगिज़ इसका यकीन ना करना है. फिर तुम्हें और रोज़के को साथ लेके जाना है. बर्बाद कर दूंगा तुम दोनों को. अब हम दोनों ही गायब हो जाते नहीं तो हम दोनों को मार देंगे. चल चल चल. कहाँ जा रहे हैं हम दोनों यहाँ से. सीरिया वापस जाएंगे. तुम्हें इस तरह मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा मैं. अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो.
तो इसकी उम्र अजाब में गुजरेगी। सलीम को शर्म आ रही है तो हम आ जाते हैं रिश्ता लेकर। मैं ना एसल से और ना ही किसी और से निकाह करने के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे लिए अभी शादी करना मुमकिन नहीं है अम्मी। मैं ना सुनने की आदी नहीं हूँ। मैंने जो कहा है ऐसा ही करना होगा। सुना तुमने? प्लीज नूरिमा, बस। खबरदार, अगर तुमने ये कहा कि इस पे अंगूठा किसी और का है, इस पे अंगूठा तुम्हारी भतीजी का है, समझ गए? इस दो टके की लड़की की खातिर मुझे झूठा कह रहे हैं? मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। कहा है आपने, जहन नशीन कर लो कि इस मकाम और मर्तबे में जरा सी भी कमी नहीं आनी चाहिए। मेरा निकाह तबरेज़ साहब से हुआ है। जी तो आई होप आपको आज की प्रोग्रामिंग अच्छी लगी होगी। सी टी वी जो है सनम, इट इज ऑफरिंग फैमिली के हर मेंबर के लिए इसके अंदर प्रोग्राम्स हैं और बहुत कॉन्शियसली चूज किए गए हैं, चाहे वो टर्किश प्लेज हों, और बच्चों के लिए जो है वो 3 hours की ट्रांसमिशन है जो उर्दू में होगी, किसी और लैंग्वेज में नहीं होगी, उर्दू में होगी। क्योंकि हम स्ट्रेस करते हैं कि आप 10,000 लैंग्वेजेस सीखें लेकिन अपनी को ना भूलें। तो भाई माया मीर में उर्दू तो बहुत अच्छी हो गई होगी फिर। Pronunciation, बिल्कुल, vocabulary words that I'd never used or heard of, read before. हाँ बिल्कुल, but because of practice, rehearsal कर करके मेरी वो pronunciation and the way, and the meaning समझा के दूसरे sentences में use करके ताकि मुझे समझ आए कि क्या क्या आ रही हूँ मैं। बड़ी मेहनत हुई है भी इस लड़की पे। अच्छा फिर मुझे please वो मेरी personal ख्वाहिश है, वो सुना दो please. And everything will go on. Titanic का गाना, because मैंने हमारी कई actresses, फिल्मी actresses ने उसको अंग्रेजी में गाया है, बहुत amazing गाया है वैसे, I must say. तो किसने गाया? Celine Dion या लोगों ने? रीमा ने गाया था कहीं। क्या? उसने टाइटैनिक का गाना गाया है, मैं बता रही हूँ ना। अच्छा खैर, बादल गरज रहे हैं और बादल जो है वो तुमसे फरमाइश कर रहे हैं कि तुम जल्दी से कुछ सुना दो। बस एक ही लाइन, कौन सा लाइन? वो दो लाइन है, मुंह छुपा के गा लूं। ओके, मुंह छुपा के, पता यही मुंह है। ऑडियो सुनने, ओके ये सुनने। अच्छा जस्ट दैट लाइन। हर रात मेरे ख्वाब में मैं तुम्हें देखती हूँ, मैं तुम्हें छूती हूँ ऐसे। कम ऑन, मैं नहीं देख रही। ओके जस्ट वन लाइन। पास दूर जहाँ तुम हो, मैं यकीन करती हूँ कि मेरा दिल चलता रहेगा। इन खूबसूरत सुरों के साथ जो दिन से हमें सनम ने नवाजा है, बहुत जरूरी हो गया है कि हम एक ब्रेक ले लें। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, जुरैन, लेट्स प्लीज टेक अ ब्रेक। After the break, sunrise from Istanbul. हल्की drizzle भी हो रही है, कैसा अच्छा मौसम तुम लेकर आए हो। बादल भी गरज है, तुम्हारी परफॉर्मेंस जो तुमने दी है ना उस पे बादल जो है ना वो बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं। बिजली क्यों नहीं चमक रही है? स्ट्राइक अस डाउन। नहीं नहीं, स्ट्राइक नहीं करना भाई, अभी नहीं, हमें तो बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा हमारा एक ये स्मॉल गेम दैट वी प्ले, दैट इज कॉल्ड इको आंसर्स। इको आंसर्स। अच्छा इसमें 10 सवाल, टर्किश हो, इंग्लिश हो, उर्दू, जो मर्जी आप इसको समझ लें।
ठीक है, इसके ऊपर ना तुम गौर करो, हाँ जरा जो गेम है उसके ऊपर गौर करो, क्योंकि इसके तुम्हें नंबर मिलने हैं और कटने भी हैं। हाँ, 10 क्वेश्चंस हैं और इन, और तुम्हारे पास तुम मैक्सिमम 3 गलतियां कर सकती हो, बाकी 7 के कम से कम तुम्हें सही जवाब देने हैं। ओके, ठीक है। और उसमें बात बहुत इजी है, वो ये है कि आपने इन सवालों के जवाब में हाँ ना जी नहीं यस नो ओके ये नहीं कह सकती, और ऐसे इशारे में नहीं कह सकती। ओके okay, नहीं कह सकती नहीं कर सकती okay. ये नहीं है। ओके okay. ठीक है, ये बस बोलना है सारा जो भी बोलना है। ठीक okay. है, और इशारों में नहीं आप कुछ कर सकती, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो इशारों में जवाब देने की कोशिश करते हैं। एनीवे, सो आर यू रेडी? ओके, बिल्कुल रेडी हो ना? फिल्में देखने का शौक है? बहुत ज्यादा शौक, अभी तो कहा ना कि वो मुझे बहुत मूव करती है। ओके, शौहर बैंकर है? शौहर बैंकर है। अच्छा भाई, ये तो पक्की है, बहुत पक्की है, मुझे पता नहीं था। तो फ्रांस में से मुलाकात कहाँ हुई थी? बचपन में, बचपन में टैंकी पे, और फिर बाद में लाहौर में। टैंकी से लाहौर में कैसे? मैं कॉलेज पढ़ने लाहौर कॉलेज पढ़ने गई थी, और वो लाहौर के, तो जब वो एडिनबरा से आते थे तो मुलाकात होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो टैंकी से लाहौर तक, फिर ये सिलसिला जारी रहा। लाहौर, लाहौर से दुबई। पहले कभी समंदर का सफर किया तुमने? पाकिस्तान में क्या है, ग्वादर। अंधेरे से डर लगता है? बचपन में लगता था, अब तो कुफ, बस अंधेरा ही अंधेरा, कभी सोने के लिए सिर्फ, वरना मुझे हल्की रोशनी से। बारिश अच्छी लगती है? बहुत ज्यादा। फिशिंग की है कभी? बहुत ज्यादा। कराची, हम लोग कराची के रहने वाले ना, वहाँ तो समंदर अभी होता तो है। एडिनबरा में थी, भाई वो एडिनबरा थे, फिर वो टैंकी आ गई। 6 साल की उम्र में मैं पाकिस्तान ही टैंकी पे खेली। इतनी सी उम्र में कहाँ कहाँ रही हो? बस सिर्फ लंदन और कराची, सिर्फ लंदन और कराची, और अब जाके ओहो लाहौर, पाकिस्तान मीनिंग इंग्लैंड, पाकिस्तान एंड दुबई, नाउ एंड नाउ इन टर्की। तो पाकिस्तान में क्रैबिंग, फिशिंग सब। अच्छा, डुअल नेशनलिटी तुम्हारे पास? जी जी। टर्किश खाने पसंद आए? बहुत ज्यादा। आप क्या खामोश तबीयत के उशाए हो? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हूँ मैं, हूँ मैं। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हूँ मैं। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हूँ मैं, नहीं। So I, oh, I, as in a sentence also I can't say you nahi. Can't na. Nahi, 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 okay, one. I thought I just can't say nahi. Ye to alfaz tum use kar hi nahi sakti na. That's the thing. Behan bhaiyon se ladai hoti thi bachpan mein? Bhai se zyada. Bhai se zyada. Not bad. Bhai Sanam jo hai wo kafi sharp hai. Sirf 2 galatiyan ki hain. वरना तो हमारे जो गेस्ट आते हैं कई दफा वो तो जी जी नहीं नहीं ओके था ना, और वो लाइक द जी ड्यू नेशनल जी वाज इमीडिएट, आई थिंक आई वाजंट थिंकिंग, बट नहीं, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी दैट तुम अभी तक, तुम्हारी क्रेजी होने के बावजूद सेंसेस बाकी है। आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट यू हैव डन अ गुड जॉब। अच्छा भाई, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वेरी गुड। अच्छा, टीचिंग भी तो की है ना तुमने? ये सवाल है, सवाल है। तुमने टीचिंग भी की है, एक्टिंग भी की है, बस यही चीजें की हैं। लोग तो क्या कुछ नहीं कर लेते हैं। हाँ, तो क्या अब क्या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है? What an ad, by the way. That was a very inspiring clip that we got to see. First woman in Pakistan to climb Mount Everest. तो why not? जबकि हमारी औरतें जो हैं वो और बहुत बड़े बड़े काम करती हैं, वो उस तरह शायद पब्लिसाइज नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। Our women are very resilient. बहुत बहुत पावर है हमारी औरत में, जो वो बर्दाश्त करती है, और जिस तरह के मर्दों को बर्दाश्त करती है। दैट्स अ जोक, जोक्स अपार्ट, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की औरत, बहुत ज़्यादा। हमें लगता है कि वो रो रही है, लेकिन वो रोती धोती और कंप्लेन नहीं करती है। आप ज़रा उसके, आप उसको देखें घर में, देखें कि कितना बड़ा रोल है औरत का, और वो बहुत अपने घर में, बच्चों के घर में, इन लॉस के घर में, बस इन लॉस के बारे में बताओ। तुम तो एक आउटलॉ हो। I'm so lucky that I have, I think, had to have good in-laws. Wow. And people who don't have good in-laws, shame on those people, because saas bhi kabhi bahu thi, yaar. Literally. Literally. And the horror stories that we've acted, that we see. Aur wo sahi thi. Jab bhi main kuch karti hu, main kehti hu, ye how can someone be so cruel? Ye to hota hi nahi hai. सब मेरा मुंह देखते कि तुम पता नहीं अपनी ऑब्वियसली शेल्टर्ड दुनिया में रहती हो, ये बाहर कभी जाके देखो, फॉरगेट बाहर, अब जस्ट आस्क योर ओन फैमिली फ्रेंड्स, दैट हैपेंस एवरीवेयर। हाउ कैन वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर ह्यूमन बीइंग, वन वुमन टू अनदर वुमन बी सो क्रूअल, क्रूअल, ये क्यों है?
क्योंकि उनके साथ जाती हुई थी तो अब उनको और कुछ आते नहीं तो वो आगे वही दे रहे हैं। बहुत चेंज हो रहा है। लेकिन चेंज हो तो न्यू बहूज नाउ आई वुड वांट टू एनकरेज यू इफ यू हैव नॉट हैड द गुड फॉर्चून ऑफ हैविंग अ वंडरफुल मदर इन लॉ डोंट बी अ गुड मदर इन लॉ जस्ट चेंज इट एक साइकिल रिपल इफेक्ट ही होता है। अच्छा ये बात मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे पास बहुत सारे गेस्ट आए हैं यहाँ पे फीमेल गेस्ट जिनसे मैंने पूछा है कि ओल्डर गेस्ट इज वेल जो तुम्हारी जनरेशन से पहले के और मैंने उनसे पूछा है और मुझे इनएविटेबली एक जेन्युइन जवाब मिला है कि हमारे इन लॉज ने हमें बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छे थे क्योंकि खासतौर पर कमिंग इन द मीडिया और वर्किंग लेडीज़ के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है अगर उनके पास उस किस्म की सपोर्ट ना हो तो बिल्कुल तो मैं बहुत प्राउडली और बहुत दिस इज़ अमेजिंग फॉर मी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी बहू जेन्युइनली आके कैमरे पर दुनिया के सामने कह रही हो क्योंकि मेरी सास या मेरा जो ससुराल नानी सास फुप्पी सासें सारी दे आर अमेजिंग अमेजिंग और कैमरा जो है ना वो सब कुछ दिखा देता है अगर आप सही झूठ बोल रहे हैं ना तो वो पकड़ा जाता है यू कैन नॉट हाइड तो मैं इस बात पे आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम कि यही चीज़ होनी चाहिए सास अल्लाह करे सासे भी यही कहें मैं तो सासे भी आएंगी उनसे पूछूंगी आई होप कि वो कहेगी कि हमारी बहुत अमेजिंग बहू हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जी वॉक्स ऑफ पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पे तो रेन इन टर्की है तो हम वॉक्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ चलते हैं सदफ के पास चलते हैं देखते हैं कि वो आज हमें क्या दिखा रही है। अस्सलाम वालेकुम वॉक्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं सदफ दुरानी। कहते हैं कि हर इंसान किसी ना किसी टैलेंट के साथ पैदा होता है तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी मुलाकात किसी ऐसी पर्सनालिटी से कराई जाए जिसमें कई टैलेंट हो जो अच्छा गाती तो हो और साथ साथ ये भी जानती हो कि खूबसूरत अट्रैक्टिव और डिफरेंट कैसे लगा जाता है। मैं बात कर रही हूँ हदीका कयानी की। आज के सेगमेंट में मैं मौजूद हूँ हदीका कयानी के सैलून में जहाँ हम कुछ गपशप लगाएंगे हदीका से और वो बताएंगी हमें कुछ ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम हदीका। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी गुड। अच्छा सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने इतनी बिजी लाइफ से इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल की टीम के साथ आप यहाँ पर हैं। यू मोस्ट वेलकम और सादिया के लिए एनीथिंग आपकी जो सीईओ हैं मेरे लिए वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पहले सबसे पहले मेरी बहुत ही पुरानी दोस्त है और वी आर लाइक बडीज। अच्छा हदीका सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि हाउ यू डिस्क्राइब द फैशन एंड स्टाइल। फैशन एंड स्टाइल फॉर मी इज़ योर कंफर्ट लेवल और मेरे लिए फैशन एंड स्टाइल जो है वो ऑब्वियसली सबसे पहले यही है और उसके बाद फॉलोइंग द ट्रेंड्स फॉलोइंग द फैशन स्टेटमेंट्स जो चल रही होती हैं और आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है कि हर इंसान का अपना टेस्ट होता है हर इंसान उस चीज़ को अपने लिहाज से कैरी करता है। हर टाइप का बंदा हर टाइप का फैशन कर सकता है? बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ वेरी करती हैं और उसमें उनके स्टाइल स्टेटमेंट्स भी वेरी कर रही होती हैं। कुछ चीज़ें कुछ लोग कैरी कर सकते हैं कुछ चीज़ें कुछ लोग कैरी नहीं कर सकते सो मैं वैसे थोड़ी बोल्ड हूँ लाइफ में लेकिन मैं इस चीज़ पे ज़रूर डिपेंड करती हूँ कि और बल्कि बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि आप जो है वो फैशन स्टेटमेंट बना सकते हैं अपनी बहुत ज़्यादा एक्सेसराइज ना करके भी और बहुत रिवील किए बगैर भी। इस हेयर कट का एक बहुत मेजर रीज़न था और वो मेजर रीज़न था कि मैं अपने बालों को डोनेट करना चाह रही थी और मैंने किया और मैंने तकरीबन 16 इंचेस अपने बाल कटवा के तो कैंसर पेशेंट को मैंने डोनेट किए हैं। हदीका कयानी के साथ बैठे हैं और कोई गाना ना सुने ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कुछ गा के तो आपको सुनाना पड़ेगा। फरमाइशी प्रोग्राम है ना? यस। अच्छा ठीक از چشم ساقی مستی شرابم بی می خرابم از چشم ساقی مستی شرابم بی می خرابم
अच्छा हदीका, आज क्या चल रहा है? मैंने सुना है कुछ ब्राइड्स आई हुई हैं, उनका मेकअप किया जा रहा है। बिल्कुल, आपको पता है ब्राइडल सीजन है। मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट है उनको जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वो उन्होंने किस तरह का काम किया है। लेट्स जस्ट गो एंड वॉच। अच्छा हदीका, ये बताइएगा कि ब्राइड्स की क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कैसा मेकअप होना चाहिए, किस टाइप का ड्रेस होना चाहिए? ग्लॉसी शिमरी मेकअप दैट ग्लोज, और ब्राइड जो है वो उसकी कॉन्टोरिंग बहुत अच्छी होना ज़रूरी है। हम आईज को कंसील करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना आई मेकअप शुरू करेंगे, जस्ट द वे माई मेकअप आर्टिस्ट हैज डन। मैंने पहले आईज को कंसील किया प्राइमर के साथ और उसके बाद जो है वो शी इज़ डूइंग द ब्लेंडिंग। और ये फर्स्ट डे का ब्राइडल मेकअप है। ज़्यादा ओवर लुक नहीं होनी चाहिए, लेकिन शी हैज़ टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लॉट। लैशेज बहुत ज़्यादा हैवी लड़कियाँ नहीं मांग रही, जो कहती हैं ब्राइड्स के हमें बहुत ज़्यादा लुक चाहिए उस तरह की प्रोमिनेंट, उनको फिर हम लैशेज कर देते हैं। मॉडल्स का मुख्तलिफ ब्राइडल मेकओवर हो रहा है, देखते हैं कैसा हो रहा है। प्रीटी मॉडल्स तैयार हो चुकी हैं और इनके फेयर कॉम्प्लेक्शंस थे, तो इनके टोन को हमने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टोन ही रखा है, उसको हमने ना डार्क किया ना बहुत ज़्यादा फेयर किया, एग्जैक्ट सेम टोन्स में। यही लुक्स हैं जो आजकल की जो यूथ है और जो यंग ब्राइड्स हैं वो इस तरह की लुक्स पसंद करती हैं। कुछ को गोल्ड्स में और कॉपर्स में और लाइनर वाली लुक्स पसंद हैं। आज हम बहुत सही मौका पर हदीका के पास आए हैं क्योंकि आज इनका बर्थडे भी है, तो हदीका क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि सीटीवी के लिए कि हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड आई हैव ऑल माय बेस्ट विशेस फॉर सीटीवी। बस ये कहूँगी स्टे हैप्पी एवरीबॉडी एंड लिव अ ग्रेट लाइफ। अब मैं हदीका के साथ यहाँ पे केक काटती हूँ और मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट सेगमेंट में फिर मुलाकात होगी किसी नई जगह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलें, आई विल मेक अ विश। बर्थडे टू Sunrise from Istanbul, Sanam Saeed, the very talented Sanam Saeed, हमारे साथ हैं, हम उनसे गपशप कर रहे हैं। जिद्दी बहुत हो, मुझे पता चला है। क्यों? पता चला है, मैंने लोगों से पूछा है क्योंकि हम यहाँ पे जिसको भी लाके बिठाते हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो तुम्हारे हस्बैंड से पता चला है, सेट से पता चला है, घर वालों से पता चला है, क्योंकि आई कीप ऑन मीटिंग योर फादर इज वेल ऑन एंड ऑफ, तो पता चला कि बहुत जिद्दी है। क्यों हो तुम ऐसी, क्या क्या मसला, क्या है तुम्हारा? I don't think ziddi in a bad way. Ziddi, if I believe in something, then I stick to it. नहीं, ये तो फिर good way for you हुआ ना, कि दूसरा बंदा ये सोच रहा हो कि यार ये नहीं है सही जिद। हाँ बिल्कुल, ये भी है, but जिस बात पे मैं अड़ गई हूँ वो सही है। नहीं, जो वाकई सही बात है जिस पे मैं अड़ गई हूँ, principally या if give me an example. I won't like I won't bend the rules for anything or I won't like. अच्छा कर लेना ऐसे, नो नो आई वांट डू इट, आई वांट डू इट, आई वांट डू इट। एग्जांपल लाइक किस बारे में, व्हाट, क्या प्रिंसिपल, क्या
क्योंकि हाँ जिद पे और आपकी किसी बात पे सही बात पे एग्जांपल जैसे काम से रिलेटेड बात. हाँ अगर कोई रोल हो या कुछ काम हो या कुछ टाइप ऑफ वर्क और समथिंग maybe that sense in a bad way for me because I'm jiddi mujhe aisa kaam nahi karna aisa role nahi karna bas nahi karna bhai kyun nahi karna kar lo variety ke liye or sometimes for a change but kai dafa as an actor aapko karna chahiye because wo aapke norm aapke kaam ko todta hai aur aap jab us tarah ka koi character karte hain aur us character se relate karte hain to fir aapko uski sensibilities samajh aati hai. So that's where the zid is bad for me because I don't move from what I've decided but something like rules or something is right or wrong like bending the rules in anything. Where do you bend the rules? हमारे मुल्क में तो रूल बनाए इसलिए जाते हैं कि वो तोड़े जाएं. तो क्या तुम ट्रैफिक लाइट पे रुकती हो? हाँ ना. चाहे रात को 2 बज रहे हो और कराची इज नॉट अ सेफ प्लेस, रुकती हो? Well, I do always run. I don't speed through a red light because what if somebody comes on the other side at 2 o'clock in the morning? Everyone breaks lights, so everyone is speeding through a red light, and so I stop. You stop and you. I let people go. All the people on the right side of the car while driving have the right of way. मैं हमेशा people who sit with me like why are you giving them रास्ता? तुम बस चलाओ. मैंने कहा नहीं. I mean, but that's not ziddi. But I'm. Oh, who thinks I'm ziddi? ये बड़ी लंबी list है. बड़े लोगों ने शिकायत की है कि आप उनसे पूछे कि ऐसे ना किया करें. चलो अब भूख भी लग रही होगी. मरियम के पास चलते हैं और देखते हैं कि किचन में क्या हो रहा है. Come on, let's go. मरियम. Hello, welcome. Hi. अच्छा आज इसने एग प्लांट से बैंगन से कुछ चीज बनाई है ऑटोमन एम्पायर की. बट ये जो पुडिंग है ना ये चिकन पुडिंग है और मैं बहुत ज्यादा मुझे लगता है मुझे ये पसंद नहीं आएगी. क्यों? चिकन और पुडिंग मीठा. But it's not a sweet dish. It is. It's a sweet dish. चिकन और वो भी मीठा एंड पुडिंग. आई मीन आई डोंट नो. अच्छा जी ये एग प्लांट की स्टफिंग के साथ तैयार हो चुका है और मैं इसको बिल्कुल ट्राई करना चाहती हूँ. एंड यू कैन ईट दिस. ओके इसमें स्टफिंग में चावल है एंड वेरी इंटरेस्टिंग. ये चिकन पुडिंग का जो चक्कर है ना ये मुझे पता नहीं है लेकिन ये बहुत मजे की है. यू कैन चेंज द स्टफिंग इन इट एंड पुट एनीथिंग इन इट इन दिस. या बट ट्रेडिशनली वी आर मेकिंग लाइक दिस. व्हाट्स द मेन स्पाइस इन इट? सॉरी, व्हाट्स द मेन स्पाइस? मेन स्पाइस इज एक्चुअली मोर देन स्पाइस, इट्स अ सॉल्ट टेस्ट. वी आर पुटिंग अ काइंड ऑफ पेपर व्हिच मेक्स इट मोर सॉल्ट. साउर लाइक नो. ओके मार्क. Well, I live in Dubai now, so we have to mark in that. Yeah, okay. अच्छा सनम से मैं पूछना चाहूँगी क्या क्या बना लेती हो? क्या बनाती हो? अच्छा क्या बना लेती हो? देसी खाने, वेस्टर्न खाने, पास्ता, स्पेगेटी. तुम टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामों की बहू हो, बन गई हो. अच्छा आप ये टेस्ट करो. आप पहले. नहीं आप पहले. You have it first. Okay. It's got cinnamon and chocolate and cream. What's the white sauce? Milk, just milk. चिकन मिंस करके डालना. इट्स गुड बट इज इट व्हाई चिकन इट्स गुड. चिकन का पता क्यों चल रहा? So it's mostly for the texture or it's just it's a traditional Turkish sweet dish. Traditional Turkish sweet. खीर की तरह है वाकई. इसमें चिकन का बिल्कुल पता नहीं चल रहा. वो क्योंकि हमें पता है तो इस वजह से. Otherwise, I've no one told you. Okay, yeah. I'll try again. अगर आपको पता ना हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा. You were right. तो ये मैं और मरियम एक उसमें गए बेकरी में आइसक्रीम शॉप में और वहाँ पे ये पड़ा हुआ था. And she said this is the chicken pudding. तो मैंने कहा नो मुझे नहीं खानी है. मुझे नहीं चिकन वाली कोई स्वीट डिश खानी है. बट रियली आई हैड दैट द टर्किश आइसक्रीम यस्टरडे एंड दे प्ले दोस ट्रिक्स विद द आइसक्रीम. सो व्हाट इज हैव यू हैड दैट आइसक्रीम? बहुत बहुत स्टिकी है, बहुत ज्यादा क्रीमी. इट्स बट व्हाट्स द मेन इंग्रेडिएंट? लाइक कंडेंस्ड मिल्क. इट्स गोट मिल्क वी आर मेकिंग. गोट मिल्क बकरी का दूध. और जो बच्चे चिकन नहीं खाते हैं मदर्स के लिए तो बड़ी मजे की बात है कि ये उनको चिकन को इस तरीके से खिलाया जा सकता है. इतने नखरे बच्चों के नहीं. बच्चों
तुम्हारे तो बहुत उठाए हुए माँ बाप ने नखरे। एनीवे आप जाके इंग्रेडिएंट्स और इस इन डिशेस को बनाने का तरीका नोट कीजिए और फिर हमसे मिलिए। चिकन पुडिंग अज्जा, चीनी 3/4 कप, क्रीम 1/4 कप, दूध 3/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, चिकन ब्रेस्ट 1 अदद, चावल का आटा 5 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लोर 5 खाने के चम्मच, मक्खन 1 खाने का चम्मच। तरकीब, सबसे पहले गोश्त को उबाल लें, अब थोड़े से दूध में चावल और कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें और बाकी दूध में क्रीम और चीनी शामिल कर उबाल लें, फिर इस दूध में आटा भी शामिल कर दें और गाढ़ा होने तक पकाइए। अब इसमें मक्खन और चिकन शामिल कर दें और 10 मिनट तक छोड़ दें, ठंडे होने पर टुकड़े काटकर पेश करें। ड्राई एग प्लांट डोलमा अज्जा, बैंगन 25 अदद, सनफ्लावर ऑयल 2 खाने के चम्मच, जैतून का तेल 3/4 कप, बादाम 1/2 कप, प्याज 3 अदद, चावल 1 कप, चीनी 1/2 चाय का चम्मच, दालचीनी 1/2 चाय का चम्मच, टोटा चावल 200 ग्राम, गरम पानी 1 कप, पार्सले 1/4 कप, पुदीना 1/4 कप, अजवाइन 1/4 चम्मच, टमाटर 1 अदद। तरकीब, बैंगन को 20 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दें। एक बर्तन में सनफ्लावर ऑयल और जैतून का तेल दरमियानी आंच पर गर्म करके इसमें बादाम भून लें। अब एक अलहदा बर्तन में तेल डालकर इसमें प्याज सुनहरा होने तक पकाइए और फिर इसमें चावल शामिल करके मजीद 3 मिनट के लिए पकाइए। अब इसमें चीनी, दालचीनी, नमक और मिर्च शामिल कर और 1 मिनट तक के लिए पकाइए। अब इसमें पानी शामिल कर दें और हल्की आंच तक गलने तक पकाइए। चावलों के इस मिक्सचर को बैंगनों में भर दें और तेल में डालकर इसे हल्की आंच पर पका लें और गर्मा गर्म सर्व करें। हाँ जी, आई होप आपने इंग्रेडिएंट्स और बनाने का तरीका, डिशेस बनाने का तरीका नोट कर लिया होगा। अगर कुछ रह गया है तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी वेबसाइट है, उस पर जाइए, देखिए और ये सब कुछ नोट कर लीजिए। वेबसाइट है www.ctv.pk। आप खाने पकाती हैं? नहीं, मैं सिर्फ बनाती हूँ, बातें बनाती हूँ। अच्छा, बातें बनाती हूँ। मुझे बिल्कुल कुछ बनाना नहीं आता। बट यहाँ आके रह के सीखेंगे? नहीं है ना मरियम, है ना, शौक नहीं, बिल्कुल मुझे इस चीज का शौक नहीं है। बिकॉज आई हैव दिस एक टेंडेंसी है कि मैं चखते चखते खाना बनाते बनाते चक चक के यू नो आई पुट ऑन वेट, तो मैंने कहा ये काम मैं करूँ ही ना तो बेहतर है। अच्छा, है ना, तो इसलिए फिर मैंने इसको साइड पे रख दिया। अच्छा, आफ्टर मैरिज मैं यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में भी कि मैरिज के बाद क्या लाइफ डिफरेंट होती है, जबकि फरहान और ये एक दूसरे को बचपन टैंकी के ज़माने से जानते थे, नेबर्स भी थे, दोस्त भी थे, खेलते भी थे, खेलते खेलते जवान हो गए, एक फिल्म की तरह जैसे होता है, एक दुपट्टा यूं करके आता है और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक आता है और हीरो हीरोइन एकदम जो है ना वो बच्चों से बड़े हो जाते हैं। सो इन दिस लव स्टोरी जो था कि ये हाउ, बट फिर भी हमने हमेशा सुना है ना कि शादी करोगे तो पता चलेगा उसके बाद लाइफ कैसे डिफरेंट है, तो कैसे आप बड़े हो जाते हो, बड़े हो जाते हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, लाइफ बोरिंग हो जाती है थोड़ी सी, बोरिंग सी आई गेस बिकॉज आप यू नो लॉन्गर, आप वो फील ही नहीं होती कि आप अभी तक अपने माँ बाप के बच्चे, आप सडनली अब आप बड़े हो गए, बड़े हो गए। जब शादी होती तब भी आपको ये फीलिंग होती कि अच्छा मैं बड़ी हो गई। अच्छा अच्छा, मुझे खुद देखना है कि यहाँ से क्या, आपने अपना घर संभालना होता है, स्पेशली इफ यू लिविंग ऑन योर ओन, सडनली इट्स नॉट योर मदर्स हाउस एनीमोर, जिसमें आप आई मीन घर पे भी हम लोग करते हैं लेकिन वो फिर भी माँ बाप का घर है, हमारा भी इट्स जस्ट डिफरेंट नाउ, दिस इज माई हाउस एंड माई रूल्स, हाउ आई रन इट, हाउ आई क्लीन, हाउ आई कुक, व्हेन वी ईट, व्हाट वी डू, आवर रूटीन, तो वो फीलिंग है। आई नेवर फेल्ट ग्रोन अप इवन एट दिस एज, बट आई डिड आफ्टर आई गॉट मैरिड दैट ओके। एंड बिहेवियर में कोई डिफरेंस आता है, लाइक पहले आप कैफ्री होते हैं, अब आपको एक सर्टेन वे में बिहेव करना है, बिकॉज आप एक आप आई मीन यू स्टिल टू पीपल, लेकिन आपका एक पार्टनर अब आ जाता है तो आप हर चीज़ के बारे में यू थिंक अगेन, कॉन्शियस हो जाते हो, दोबारा सोचते हो कि अच्छा अगर मैं ये करूँ तो उनको कैसे लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, दिल फील लेफ्ट आउट और व्हाटएवर, तो आप ये सोच समझ के यू जस्ट बिकम अ लिटिल मोर कंसिडरेट। चलो चलो फिर इसी नोट पे गाना सुन लेते हैं क्योंकि तुमने बात बड़ी गंभीर से कर दी है। ठीक है जरेन, डू यू हैव अ सॉन्ग फॉर आवर स्टार हियर? यस यस ऑफ कोर्स। ओके, इज इट अ टर्किश सॉन्ग? यस, इट्स अ टर्किश सॉन्ग। टर्किश म्यूजिक बहुत खूबसूरत है और हम कोशिश करेंगे टर्किश म्यूजिक, पाकिस्तानी म्यूजिक, आप हर किस्म का म्यूजिक सुनाएं और ब्लेंड भी करें, फ्यूजन भी और कंफ्यूजन भी हो थोड़ी सी। Oh,
babanın dünden razı. Sen babanın gönlünü yapanın dünden razı. Doktor imanım, doktor doktor civanım. Anneler istiyor doktor imanım. Doktor civanım, doktor doktor civanım. Ah neler istiyor canım. Beautiful. आपको लैंग्वेज समझ ना आए, म्यूजिक हर जुबान में हम समझ आता है और बहुत इंटरेस्टिंग म्यूजिक है यहाँ का. हमें कोक स्टूडियो में भी हुआ था, पाकिस्तान में एज अ वर्किंग वुमन और एज अ वुमन काम करने में तुम्हें तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि क्या क्या दुश्वारियाँ आती हैं जो फेस करनी पड़ती हैं और क्या क्या चीज़ें बेहतर भी हुई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. I don't know if I'll sound like I'm lying, but I will decide. मैं ये फैसला करूँगी. अभी तक I don't think मैंने कोई मुश्किलात फेस की हैं. I can't remember a time where I got angry के मेरी बात कोई नहीं सुन रहा या मुझे uncomfortable feel किया जा रहा है या I'm doing something that I don't want to do because I'm a woman, I have to sew it or whatever. ऐसे तो बिल्कुल नहीं हुआ. नहीं, दैट इज वेरी अच्छी अप्रोच है, लेकिन अपने इर्द गिर्द तो देखते हो ना अपने इर्द गिर्द. हाँ, अगर आप प्रिविलेज्ड हो विच इज़ वेरी गुड, बट हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ ये चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं और हम कैटलिस्ट बन सकते हैं. अच्छा, जनरली फॉर वुमेन इन माय ओन एक्सपीरियंस आई हैवन्ट हैड दैट. जनरली आई वी आर नॉट इक्वल. आई थिंक फर्स्ट वुमेन नीड टू अंडरस्टैंड दैट हम वी आर नॉट इक्वल. सो देयर इज नो पॉइंट कि हम अपनी इक्वल राइट्स या इक्वालिटी के लिए ऐसे लड़ते रहे. मर्द की जगह मर्द की होती है, अपनी अपनी जगह होती है. एंड इट्स ओके टू आई डोंट नो, आई हैव गॉट अ वेरी डिफरेंट अप्रोच टू दिस. इट्स डोंट बी द विक्टिम. आप वीक ना बने, बट डोंट बी टू वी गेट टू जज्बाती एंड देन मेन जस्ट डोंट नो हाउ टू उसको हैंडल करना. वो और ऊपर से आके चढ़ के आपको कहते हैं मुकाबला कोई नहीं है अपनी अपनी. और हम लोग जज्बातियों के मुकाबले में वो फंस जाते हैं. अब स्कूल में आई यूज टू बी और व्हेन आई वाज यंगर आई यूज टू बी लाइक दैट, बट नाउ लेट हिम डू इट, लेट हिम डू हिज जॉब और व्हाट ही हैज टू डू. बट द मेन हैव टू अलाउ द वुमेन टू डू व्हाट दे आर डूइंग, डू देयर जॉब, एग्जिस्ट, कोएग्जिस्ट, रिस्पेक्ट देम. I mean, you tell me, what are the problems that you're seeing? I just feel like there's lack of equal respect. And a woman can do anything. ये जो सोच है कि ये औरत का काम नहीं है, बस ये जो thought process है इसको change होना है, but otherwise. और ये एक huge चीज़ है. I see so many women working everywhere. Karachi में तो now you have them working at restaurants and that they're in Lahore where I keep reading that they're rickshaw drivers now, female rickshaw drivers. So I see बहुत ज़्यादा change आ रहा है, बहुत positive change है, बहुत सारी ख़वातीन jobs कर रही हैं. तो शायद जब बहुत struggles हो रही थी मैंने देखा नहीं. I haven't heard, but struggle का period तो आप deny कर ही नहीं सकते ना, because एक सोच का को change होने में time लगता है. तो वो तो है, उसके बाद आपको फल मिलता है. और हमसे पहले वाली जो whoever was in the industry, उन्होंने they paved the way for us and made it easy for us. अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आएंगे. वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद द ब्यूटीफुल सनम सईद. ब्रेक प्लीज. Welcome back to Sunrise from Istanbul. Sanam is here. Sanam, हमारे प्रोग्राम का एक बहुत ही पॉपुलर जो है हिस्सा वो है मैसेज इन अ बॉटल. बचपन में सुना था मैसेज इन अ बॉटल की क्या थी? बिल्कुल बिल्कुल, पानी में आपने इसको फेंकना है और फिर जाके आपने कूदना है और फिर आपने इसको निकाल के पिलाना है. ये है हमारी गेम असल में. मैसेज इन अ बॉटल से क्या याद आता है?
किताबें, फिल्में, हमने जो खुद मैसेजेस बॉटल्स में लिखी और फेंकी हैं। अच्छा वो बताओ क्या? Again coming back to the city by the sea, movies, books, inspire. Okay, हम लोग जो भी pirate खेलते थे, जो भी messages, SOS के messages, because people pollute, तो वहाँ की बोतलें उठा के और messages लिख के हम लोग movies में बहुत देखा है, किताबों में बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है बचपन से पढ़ा है। और हम हमारा ये जो message in a bottle है, इसमें होता ये कि जो हमारे गेस्ट आते हैं वो एक मैसेज लिखते हैं किसी के लिए भी, उन लोगों के लिए, उन गेस्ट के लिए जो हमारे शो पर आएंगे या हम उनको बुलाएंगे, बिकॉज उनके लिए मैसेज लिखा जाएगा। सेलिब्रिटीज़, हमारे स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियंस और हमारे टीवी एंड फिल्म पीपल, तो आप जिसके लिए भी मैसेज लिखेंगी फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ, और जो आप मैसेज लिखेंगी वो फिर आप अपने हाथ से सील करेंगी, ठीक है, और सिर्फ हमें ये बताएंगे कि वो किसके लिए है। हम और वो मैसेज फिर जब तक वो बंदा आके खोलेगा नहीं, वो उसी तरह सील रहेगा अमानत के तौर पर, और उसके बाद जब वो मैसेज खोला जाएगा, बोतल में से जिन निकलेगा, तो फिर हम देखेंगे कि उस बंदे का या बंदी का रिएक्शन क्या होता है। वो समझ आ गई ये बात? ये ले जी, ये मैं आपको दे रही हूँ, इसको आपने उसके बाद रोल ऐसा करना है और उस पर आपने ये दे इसको इस तरह टाई अप करना है कि इस बॉटल के अंदर ईजिली चला जाए। हियर इज योर पेन। तो अब मैं खुद भी सोच रही हूँ कि सनम किसके लिए लिखेंगी। इनकी वैसे लड़ाइयाँ हुई हैं कभी तुम्हारी फील्ड में किसी के साथ? बताओगी? नहीं 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 बिल्कुल हुई नहीं, नहीं। दोस्तियाँ सिर्फ एक दो लोगों के साथ है, अदरवाइज सारे वर्क काम पे, सेट पे बातचीत। तो किसके लिए लिखोगी फिर? यही मैं सोच रही हूँ मैं, बट जानते तो सबको हैं, दोस्ती भी है। काम करके सबसे ज्यादा किसके साथ मजा आया? Like understanding when it works. I'm trying to think. Chemistry भी होती है ना, कि आप कई दफ़ा एक्टर्स के दरमियान में ऐसी केमिस्ट्री होती है कि काम आपका बेहतर हो जाता है, कईयों के साथ आपको वो एग्जैक्टली वो वाली फीलिंग। ओके, एक आ गया मैसेज। आ गया? मैं नहीं बताऊंगी अब, सिर्फ ये बताना है कि किसके लिए, मैसेज नहीं बताना। क्यों बताना है किसके लिए? अरे फिर बुलाएंगे कैसे उसको? कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। मैं तो तुम्हें बड़ा अकलमंद समझ रही थी, लेकिन कहीं कहीं ये सबूत दे देती है कि ये काफ़ी मलंग है और सोचे बगैर भी बात कर लेती है। तो जब तक ये बताएगी नहीं, मैसेज तो सील होके इसमें चला जाएगा बॉटल में, लेकिन जब तक सनम हमें बताएगी नहीं कि वो किसके लिए है, हम उसको कैसे बुलाएंगे? पता नहीं अदील हुसैन क्यों सर में आ रहे हैं तुम्हें। अदील हुसैन लिख दो जिसके लिए मर्जी लिख दो। तो सनम अदील हुसैन के लिए मैसेज लिख रही हैं, और आई विल रिक्वेस्ट माई टीम कि अदील को फ़ोन मिलाइए और उनसे बात कीजिए, उनको कहें कि वो टाइम निकालें और हमारे शो पर आएँ। और सनम ने जो ये बोतल में एक जिन बंद किया है उसको निकालें और उसको आज़ाद किया जाए। सो दिस, ये जो हमारा मैसेज इन अ बॉटल है, ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा है, और हमें जो मेल्स आती हैं और जो हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है उसमें एक ये भी आप लोगों की तरफ से ज़रूर होता है कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कि और ये इस बात की क्यूरियोसिटी रहती है और इंतज़ार रहता है कि किस बंदे ने क्या लिखा है। इतना लंबा मैसेज क्यों लिख रही हूँ मैं? ये क्या, मुझे लगता है कि ये बात नहीं होती तुम्हारी अदील से फ्रीक्वेंटली, तो तुमने कहा कि बस मैं लिख दूँ उसके लिए, जो कह नहीं सकती मैं, आज तक कह नहीं सकी उसे, मुँह पर नहीं कह सकी बेसिकली। मुझे लगता है कि ये कोई एडवाइस है कि बेटा तुम काम पे ज़्यादा तवज्जो दो और इर्द गिर्द लड़कियों को देखना बंद करो, समथिंग लाइक दैट। मैं स्पेकुलेट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है। और आपको इस बॉटल को साइन भी करना है, गोल्डन हरूफ पे देखें, आप अपना नाम खुद इस बॉटल पे लिखेंगे। अच्छा, इसको बिल्कुल इतनी उर्दू तुमने सीखी है माहे मीर में, मीर तकी मीर के मुकाबले तुमने काम किया है, और तुम मुझे हरूफ का मतलब पूछ रही हो? दिस इज एम्बैरेसिंग। मैंने तो बिना वजह कभी नहीं भूलूंगी, पूछती हूँ तो बिकॉज़ आई एम नॉट एम्बैरेस्ड ऑफ आस्किंग, सो आई आस्क एंड देन आई गेट हर अल्फाबेट होता है, अल्फाज लफ्ज़ होता है, हरूफ हर्फ की जमा है, हर अल्फाबेट। तो चलो एटलीस्ट सनम कुछ तो सीख के जा रही है और हमें उस्ताद का दर्जा तो देगी। ओके, लाइक चले जी। हाँ बिल्कुल, इसको अगर आप ज़्यादा वो कर देती तो बेहतर था। अच्छा जी, सनम मैसेज लिख चुकी हैं अदील के लिए, अब वो बॉटल को साइन कर रही हैं, बॉटल सील जो है वो हो चुकी है, और मैं इसको सील कर रही हूँ खुद ही। ऑल दिस, ओके चले। ये जी बॉटल सील भी हो चुकी है, ये सनम ने लिख दिया अदील के लिए मैसेज, ये देख ले। सनम ने कोई अजीब सा इंटरेस्टिंग है इसका सिग्नेचर। बारिश भी शुरू हो गई है, हैं?
देखो बहुत सुहाना मौसम है और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, आप किराए का हमें इंतज़ार रहेगा। मैं इससे पहले कि आपको सारे एड्रेसेस वगैरह बताऊं, मैं सनम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, भीगी सुबह में इन्होंने मेरा साथ दिया और हमारे प्रोग्राम में आया, वंडरफुल टाइम, बहुत ज़्यादा मैं इनसे बातें कर सकती थी, वो पहली दफा हम लोग मिल रहे हैं एक्चुअली, लेकिन आप खाली हाथ नहीं जाएंगी, वी हैव अ स्मॉल समथिंग फॉर यू और इंशाल्लाह दोबारा भी मुलाकात होगी आपसे। प्रोग्राम के एंड की तरफ हम आ गए, मैं आपको हम आपकी राय का हमें जो है वो इंतज़ार रहेगा। आप हमारे एड्रेसेस नोट कर लीजिए, हमारी वेबसाइट है www.ctv.pk, ईमेल आप हमें कर सकते हैं sfi@ctv.pk, हमारा फेसबुक पेज है www.facebook/sfi और अगर आपने मैसेज करना है हमें ज़रूर कीजिए, sfi स्पेस अपना नाम लिखिए, मैसेज लिखिए और हमें भेज दीजिए 4471 पे। wow. बस इतनी सी बात है, wow. है ना, मेरी मेमोरी अच्छी well है done. एक और मैं आपको बात बता दी चलूँ कि ये जो आप हमें लिखते हैं, जो भी हमें मैसेजेस भेजते हैं, इसका एक ड्रॉ होगा, एक कुरानदाजी होगी, उसमें जिस खुशनसीब का नाम निकलेगा उसको यहाँ हम टर्की इस्तंबुल बुलाएंगे और बॉस्फोरस की सैर कराएंगे। तो लिखना मत भूलिए, आपका प्रोग्राम है स्टे इन्वॉल्व्ड और अगले एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू ZTV एंड सी यू ऑन ZTV। जरेन